वल्लभ की बलिहारी। श्री सभी गाइए, वल्लभ सुखकारी वल्लभ की बलिहारी। वल्लभ नाम सोताप मिटत है, वल्लभ नाम सोताप मिटत है, वल्लभ नाम सोताप मिटत है, वल्लभ नाम सोताप मिटत है। ताप हो चाहे के सुखारी वल्लभ की बलिहारी। हो ताप हो जाए जे सो भारी वल्लभ की बलिहारी। श्री वल्लभ सुखकारी वल्लभ की बलिहारी। श्री वल्लभ सुखकारी वल्लभ की बलिहारी। तन मन धन दियो वारी वल्लभ की बलिहारी। श्री वल्लभ सुखकारी वल्लभ की बलिहारी। श्री वल्लभ सुखकारी वल्लभ की बलिहारी। श्री वल्लभ बलिहारी। श्री वल्लभ सुखकारी वल्लभ की 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 वल्लभ की बलिहारी। वल्लभ की बलिहारी। श्री वल्लभ सुखकारी वल्लभ की बलिहारी। श्री वल्लभ सुखकारी वल्लभ की बलिहारी।
वल्लभ की बलिहारी, वल्लभ की बलिहारी। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय, श्री गिरिराज धरन की जय। अखंड भूमंडलाचार्य जगतगुरु महाप्रभु शिवल्लभाचार्य जी के अलौकिक अप्राकृत स्वरूप का हृदय में ध्यान धर आपके युगल चरणारविंद में सदैव कोटानुकोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। एवं जिनके महद कृपा अनुग्रह से यह सुंदर श्रीमद् भागवत के पुनित सानिध्य में बैठकर श्री ठाकुर जी की 10 प्रकार की लीला सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा मुक्ति आश्रय, इन लीलाओं को श्रवण गान करने का सुअवसर हम सबके सामने उपस्थित हुआ है, सुलभ हुआ है। ऐसे श्री पुरुषोत्तम धाम बैठक मंदिर में विराजमान हम सबके प्राण प्रिय ऐसे श्री गोपाल लाल प्रभु एवं प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बड़े ताजी महाराज श्री श्री पुरुषोत्तम लाल जी ताजी महाराज श्री के आप अलौकिक महद स्वरूपों के चरणारविंद में सदैव कोटानुकोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। एवं अत्रैव विराजमान परमादरणीय ज्येष्ठ भातृचरण परम पूज्य गोस्वामी श्री 108 श्री हरिराय जी महोदय श्री आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। एवं यहाँ विराजमान जिनके विराजने से यह पांडाल की भी शोभा अभिवृद्धि हो रही है ऐसे सर्व आदरणीय भूदेवगण जो श्रीमद् भागवत के मूल पारायण में आप सब विराजमान हैं, सर्वे आदरणीय महानुभाव गणों को वंदन। एवं यह पाठोत्सव निमित्त जो यह सुंदर श्रीमद् भागवती सत्संग महोत्सव श्री गोपाल लाल जी के सानिध्य में बैठकर आपकी लीलाओं का श्रवणानु गुणानुवाद करने का यह सुअवसर जो हम सबको प्राप्त हुआ और ये आयोजन के कथा महोत्सव के जो निमित्त कारण बने हैं जिन पर सविशेष श्री गोपाल लाल जी की कृपा रही ऐसे मनोरथी परिवार के सभी आत्मीय वैष्णव वृंद मधु जी उनका पूरा परिवार बड़ी प्रसन्नता का विषय है। जीवन में सामने अवसर तो कई बार आते हैं लेकिन उन अवसरों को लाभ कौन प्राप्त कर सकता है ये महत बात है।
तो धन्य है ये मनोरथी परिवार जो ये सुंदर सु अवसर को आप उसके निमित्त कारण बने। श्री ठाकुर जी की उनकी उन पर सविशेष अनुग्रह। तो मनोरथी परिवार के लिए भी बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए एवं साथ ही साथ श्री पुरुषोत्तम धाम बैठक मंदिर के हमारे आत्मीय सर्व कार्यकर्तागण, पोथी जी के भी जो जो वैष्णव मनोरथी बने हैं, वह सब बड़े भागी मनोरथी परिवार वैष्णव, यह मुरैना गांव, यह मुरैना क्षेत्र जो वास्तव में श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहां हमारे बड़े ताजी महाराज श्री आपने अगाध परिश्रम लेकर गांव गांव में पधार कर वैष्णवी संस्कार से मनुष्यों को सिंचित किया, और एक एक गांव में कई कई दिना विराज कर ग्रामवासी एवं आसपास के जो पुष्टि जीव हैं उन जीवों को शरण में लेकर आपने उनको जीवन का जो परम लक्ष्य है, उद्देश्य है और स्वधर्म क्या है, इस विषय में आपने जानकारी दी, अनुग्रह किया। उन्हीं बड़े ताजी महाराज श्री श्री पुरुषोत्तम लाल जी, बड़े ताजी महाराज श्री के परम कृपा अनुग्रह से ये क्षेत्र में जो हमारे पूज्य श्री दादाजी पितृचरण के मन में जो एक भाव जागृत हुआ कि आप श्री की एक बैठक जी एक सुंदर स्थान अपने यहाँ क्षेत्र में बने, कि जिस स्थान से यहाँ की जो पुष्टि सृष्टि है, वैष्णव सृष्टि है, उन्हें भगवत दर्शन, सत्संग, कथा एवं स्वमार्गीय जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को वो समझ सके, अनुग्रहित हो सके, ऐसा मनोरथ विचार कर पूज्य श्री दादाजी के ही मनोरथ स्वरूप संकल्प से यह श्री पुरुषोत्तम धाम बैठक मंदिर साकार हुआ। और जहां कृपा कर श्री गोपाल लाल जी, श्रीनाथ जी बाबा, जो हम सबके आराध्य, हम सबके इष्ट, हम वैष्णवों के सर्वस्व, आप श्री यहां पे पधारे और आज यह एक वर्ष पूरा होने आ रहा है श्री गोपाल लाल जी विराजे उसको, और यहां एक वर्ष से श्री गोपाल लाल जी विराज रहे हैं ताजी महाराज श्री, आप स्वयं यहां पे विराजमान हैं, ग्रामवासी एवं क्षेत्र के वैष्णव समय समय पर श्री ठाकुर जी के सन्मुख होते रहते हैं, और जो वार्षिक जो पूरा सेवा प्रकार है, सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रगटाई, प्रगट भय मार्ग रीत दिखाई, श्री गोवर्धनाथ जी ये जो श्री जी विराज रहे हैं, ये कोई साधारण देवालय नहीं है, ये नंदालय है। यहां नंद जी व यशोदा जी ब्रज भक्तों के भाव से श्री ठाकुर जी की सेवा की जाती है, जहां स्नेह की प्रधानता है, जहां कीर्तनों की प्रधानता है, जहां प्रीति की प्रधानता है, उन ब्रज भक्तों के भाव से श्री ठाकुर जी की सेवा की जाती हो, और पूरे साल भर का जो सेवा का क्रम, जो जो वैष्णव यहां पर निरंतर जुड़े हुए हैं, फिर उसमें अलग अलग प्रकार के हिंडोरा हो या सांझी हो या जो भी उत्सव आदि जो गए, उन उत्सवों में ब्रज भक्तों के भाव से श्री ठाकुर जी को सेवा की जाती है, और वह दर्शन का लाभ आप सब यहाँ के समग्र वैष्णव वृंद प्राप्त कर रहे हैं। प्रियजनों, इससे महद विशेष लाभ और जीवन का कोई नहीं है। कई बार वैष्णव सृष्टि बहुत कुछ करना चाहती है, तत्परता होती है, लेकिन उसको अवसर नहीं मिलते हैं, ऐसे स्थान नहीं मिलते हैं कि जहां पर वो अपने भावों को प्रकट कर सके, जहां पर वह सेवा कुछ कर सके, हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर सके। हम तो
निरंतर देश विदेश यात्राओं में भ्रमण करते रहते हैं, कई कई वैष्णव महानुभावों से मुलाकात होती है, उनके भावों को देखते हैं, कई बार वो अपना हृदय का ताप भाव प्रकट करते हैं कि जे जे सत्संग नहीं है, वैष्णव नहीं है, कुछ ऐसा स्थान यहाँ पे नहीं है कि हम सब साथ में मिलके उत्सव मनावें, ये ऐसे ऐसे आरती भाव प्रकट करते हैं प्रियजनों। यानी आप यहाँ के वैष्णव, आप अपने आप को महद भाग्यशाली मानो कि गुरुजनों की कृपा से ऐसा स्थान आपके सामने उपलब्ध है, ये स्थान आपको मिल रहा है। और जो ये मिलते हुए भी जीव वंचित रह जाए तो उससे दुर्भाग्य उस जीव का और क्या कह सकते हैं। पत्रम नहीं व यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम, नव लुको अपि विलोक्यते दिवा सूर्यस्य किम दूषणम, धारा नैव पतन्ति यदि चातक मुखे मेघस्य किं दूषणम, यत् पूर्वं विधिना ललाट लिखितं तन् मार्जितुं कक्षमाः। पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किं, वसंत ऋतु आती है, सब में नए पत्ते पुष्प आ जाते हैं, लेकिन करीर के वृक्ष पर पत्र नहीं आते हैं तो उसमें वसंत ऋतु का दोष नहीं है। नव लुको अपि विलोक्यते दिवा सूर्यस्य किं दूषणम्, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो उसमें सूर्य का दोष नहीं है। धारा नैव पतन्ति यदि चातक मुखे मेघस्य किं दूषणम्, मेघ तो वृष्टि करता है, सब जगह वृष्टि बरसाता है, जल बरसाए, लेकिन वह धारा नैव पतन्ति चातक मुखे, चातक उस जल को जो ग्रहण न कर पाए तो उसमें मेघ का दोष है। इसी प्रकार सब हमारे सामने उपस्थित होते हुए भी, सुंदर अवसर होते हुए भी, सुंदर स्थान होते हुए भी, जो हम वंचित रहें, परे रहें, तो फिर उससे बड़ा दुर्भाग्य और जीव का क्या हो सकता है। यत् पूर्वं विधिना ललाट लिखितं तन् मार्जितुं कक्षमाः, फिर उसके विधाता नहीं, उसके भाग्य में दुर्भाग्य लिखा हुआ है तो क्या किया जा सकता है। यानी आप अपने आप को महद भाग्यशाली मानकर प्रियजनों कि ये स्थान आपके क्षेत्र में, आपके गांव में ये उपलब्ध है, जिन स्थानों के लिए लोग तरसते हैं, अवसरों के लिए प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन यह पुरुषोत्तम धाम बैठक मंदिर के माध्यम से कितने कितने उत्सव, वचनामृत के कार्यक्रम, कथाओं के निरंतर आयोजन, सत्संग, आप सब वैष्णव सृष्टि को मिल रहा है। और केवल एक ही उद्देश्य के साथ यह स्थान, यह पुरुषोत्तम धाम के बड़े ताजी महाराज श्री ने जो अगाध श्रम लेकर इस क्षेत्र में जो वैष्णवी बीज संस्कार स्थापित किए, वह संस्कार को और ऊंचाई पर ले जाएं और वह संस्कार आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, हमारी भावी पीढ़ी उन वैष्णवी संस्कारों से परिचित हो। कहा ना जन्म ना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते, मनुष्य की पहचान प्रिय जनों उसके संस्कार से होती है। कहा भयो जो विप्रकुल जन्मे हो, बड़े कुल में जन्म या ब्राह्मण आदि कुल में जन्म हो गए, उससे तुम्हारी सार्थकता नहीं है, लेकिन तुम्हारे संस्कार से, तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारे आचारों से मनुष्य की, हम वैष्णव की श्रेष्ठता सिद्ध होती। और श्री गोसाई जी के शब्दों में कहूं तो प्रभु चरण आप आज्ञा करते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर वैष्णवी संस्कार नहीं है वह मनुष्य कहने के लायक नहीं है। वार्ता साहित्य में प्रसंग आता है कि एक दिन पूछा श्री कुम्मन दास जी ने श्री गोसाई जी से कि जेराज घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, सेवा है, लेकिन परिवार सब बहिर्मुख है, सन्मुख नहीं है, तो उसका क्या कारण। अब श्री कुम्मन दास जी जिनके 7 पुत्र थे लेकिन 1.5 पुत्रों में ही उनकी आसक्ति थी, उनको पूछा ना कितने पुत्र हैं तो के 1.5, तो के भाई हमने तो सुना है 7 पुत्र हैं तुम्हारे, तो के 7 वो का काम के, सब जो बहिर्मुख हैं तो का काम के, ऐसे तो कौरव भी वो सोत है, लेकिन उसका क्या मतलब। कहा 1.5 पुत्र हैं। तो उनने पूछा गोसाई जी को, जेराज ये सब बहिर्मुख हैं उसका कारण क्या।
तो आपसी आज्ञा कर रहे, देखो ध्यान से सुनो। आपने एक पौराणिक प्रसंग, पौराणिक कथा आपने सुनाई। एक बार एक कोई नगर में, एक ग्राम में एक कोई सज्जन, एक व्यक्ति रहता जिसकी एक कन्या, जिसका विवाह करने का अवसर आया। तो उसने गांव के पंडित को कहा कि भाई कोई योग्य पात्र मिले तो बताना, तय करें, इसका विवाह कर दें। तो ठीक है। अब उसने दूसरे भी गांव के एक पंडित था तो उसको भी कह दिया कि भैया कोई योग्य पात्र मिले मेरी कन्या के लिए तो बताना, तय कर दें। ठीक है। तीसरे पंडित से भी कहा, चौथे पंडित से कहा। चारों पंडित चारों दिशाओं में गए और चारों दिशाओं में जाकर सुंदर घर बार परिवार को देखकर आकर एक पंडित ने कहा, अरे तुमने मुझे कहा था तो मैं तय करके आया हूं, 7 दिन बाद बारात आएगी, तुम तो विवाह की तैयारी करो, प्राचीन काल की बात है। वो प्रसन्न हो गया। इतने में ही थोड़े समय में दूसरा आया पंडित, वो कहने लगा, अरे बधाई हो बधाई हो, आपकी लड़की के लिए बड़ा अच्छा घर मैंने देख लिया, आप तो विवाह की तैयारी करो, 7वें दिन बारात आएगी। वो कहने लगा, अरे मेरी कन्या तो एक है जिसका तो पूर्व में ही वो पंडित जी एक फिक्स करके आ गए हैं, तय करके आ गए हैं, अब आप जो ये तय करके आए, दूसरी कन्या कहां से लाऊं मैं। इतने में तीसरा पंडित आया, वो कहे, जजमान बधाई हो आपके लिए, आपकी कन्या के लिए सुंदर मैंने एक घर बार देख लिया है, आप तो विवाह की तैयारी करें। चौथा आया, चौथे ने भी यही बात कही, वो सिर पटक कर बैठ गया, अरे क्षमा करो मेरी तो एक कन्या है। अब वो पंडित कहने लगे, आपने तो हमको कहा तो हम तो तय करके आ गए। अब वो ब्राह्मण भी हट पे गए, जो हमारे बताए हुए घर परिवार से आपने संबंध नहीं जुड़ा तो तुम्हारे घर के आगे हम प्राण देंगे, तुम्हें ब्रह्महत्या लगेगी। अब वो बड़ा धर्म संकट में फंसा, एक को प्रसन्न करने जाए तो दूसरा रुष्ट हो जाए, उसका श्राप लगे, दूसरे को करे तो तीसरा। कहने लगा, 7 दिन है ना, देखते हैं कुछ ठाकुर जी प्रेरणा करेंगे। सबको विदाई करी, सब गए। अब ये सोचने लगा कि कैसे करूं, लड़की एक है, चार चार जगह तय हो गया, अब चार क्या, इसका ये धर्म संकट आ गया, क्या किया जाए। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, मन में विचार आया कि ये ब्राह्मण के श्राप से मरूं, इससे अच्छा तो मैं आत्मघात करूं। लेकिन फिर वापिस रुक गया, मेरी कन्या का क्या होगा, उसका क्या दोष। बड़ा दुखी हुआ। 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, वन में चला गया, अकेला बैठा बैठा रोए, सोचे क्या करूं क्या करूं। वहीं से एक कोई सदपुरुष वैष्णव जा रहे थे, उस वैष्णव ने उसको देखा रोते हुए, पूछा कि भैया क्या बात है, क्यों इतने उदास हो दुखी हो। सबरी बात इसने कह दी। अब ये वैष्णव को उस पर दया आई, ऐसा करो चिंता मत करो, श्री ठाकुर जी सब करेंगे अच्छा, तो क्या करेंगे बताओ, कैसे रास्ता क्या है। तो वो कहने लगा, देखो अब तुम यहाँ से घर जाओ सीधे, विवाह की तैयारी करो, और रास्ते में जाते जाते जो भी तुम्हें पशु मिल जाए वो पशु उनको तुम अपने साथ में ले जाओ, और जो तुम्हारी कन्या जिस कमरे में है उसमें उन पशुओं को भी बंद कर देना, तो कि उससे क्या होगा, तुम देखो तो सही, सब हो जाएगा। ठीक है। अब वो वहां से निकला घर जाने के लिए, तो जाते जाते उसको एक बिल्ली मिल गई, बिल्ली को साथ में ले लिया। आगे जाते जाते एक गधी मिल गई, गधी को भी साथ में ले लिया, और आगे गया तो एक कुतिया मिल गई, वह कुतिया को भी साथ में लेके तीनों पशुओं को लेकर जिस कमरे में उसकी कन्या थी वहीं में उसको डाल दिया, बंद किया। अब उन्होंने कहा था बंद कर देना और देखना सुबह। अब दूसरे दिन सुबह गया तो उसी कमरे में से 4 कन्याएं बाहर आई, एक जैसी कन्या। वो बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे ये तो उन महत्पुरुष वैष्णव ने बड़ी कृपा कर दी, ये अपराध से मैं बच गया, अब तो विवाह की बड़े उत्साह पूर्वक सब तैयारी करी उसने, बारात आई, चारों के विवाह कराए, पंडितों का भी समाधान किया, सबने आशीर्वाद दे के सब कार्य संपूर्ण हुआ। अब उसको ये विचार आया कि जो वैष्णव की कृपा से ये सब मैं तो शांति से निपट गया तो उनको मैं अभिवादन उनका कर आऊं। अब वो वहां पे गए, वैष्णव बैठे हुए उनके जाके चरणों में गिर पड़े, अरे गुरुदेव आपने बड़ी मुझ पर कृपा करी,
धर्म संकट में मैं फंस गया था, आपने मुझे बाहर निकाला, मैंने कुछ नहीं किया, सब करने वाले श्री ठाकुर जी हैं, हमने क्या किया, तुम किसी को कहना मत। नहीं नहीं बड़ा आपकी कृपा हुई, बड़ा उनका भाव प्रकट करने लगा और कहा ठीक है अब आनंद में रहो, दुखी मत हो, भगवत नाम लो, हम भी चलते हैं। ठीक है महाराज, जहाँ भगवत स्मरण किया तो इसको सज्जन को एक मन में जिज्ञासा हुई, पूछा उस वैष्णव से, अरे मुझे ये तो बताओ कि मेरी कन्या तो एक ही थी, एक तो मैं गधी ले गया, एक मैं बिल्ली ले गया, एक मैं कुतिया ले गया जो कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई, तो उन चारों में से मेरी बेटी कौन सी मुझे पता कैसे चले, क्योंकि चारों एक जैसी, ये तो मुझे बताइए, क्योंकि उसकी लड़की तो एक ही थी, वो तो वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो गए, तो मुझे बताइए कि मेरी कन्या कौन सी कैसे पता चले। वो वैष्णव हंसते हुए कहने लगे, अरे भैया ये तो बड़ी सहज बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, विवाह हो गया, अब थोड़े दिन बाद जमाई को बेटी को न्योता पे बुलाना घर पे भोजन के लिए, और अपने आपके जो जमाई हैं उससे अपनी बेटी का, उसकी पत्नी का, उसका चरित्र, उसका कर्तव्य पूछ लेना, वो कैसी हो उसके बारे में जान लेना, वो बता देगा। अच्छा, थोड़े दिन निकले, बड़े पहले जमाई को और बेटी को बुलाया, भोजन आदि किए, बैठे, अब उसने पूछा अपने जमाई से, कैसी भाई मेरी कन्या, सब घर बार सब संभाल तो लिया, सब ठीक है, अब क्या बताएं पिताजी, अब जिसके जो भाग्य में होता है वो मिलता है, क्यों क्या हुआ, क्या क्या बताऊं पिताजी, चटोरी बहुत है, अभी तो ठाकुर जी को भी भोग आयो नहीं हो ना, वाके पहले खुद सब चाट जाए, चटोरी बहुत है, ये समझ गए हो कि ये वो बिल्ली है। थोड़े दिन बाद दूसरे जमाई को बुलाया, बेटी आई, भोजन आदि से निवृत्त हुए, पूछा कैसे मेरी बेटी, ठीक है सब घर संभाल लिया, अब क्या बताएं पिताजी, मेरे कोई पूर्व जन्म के ही ऐसे कुछ कर्म होंगे, क्यों क्या हो गया, अरे क्या बताऊं पिताजी, आते जाते सबको गधी के ताई लात मारत है, सबको लात मारे, रुचे नहीं है अब, लेकिन है तो हो गया तो हो गया, अब निभाना है। थोड़े दिन बाद तीसरे को न्योता दिया, वो आया, उसको पूछा कि कैसा है, सब कुशल मंगल, सब ठीक है, तो पिताजी क्या बताएं, अब मेरे ही दोष हैं, जीवन में सुख दुख अपने कर्म का प्रतिबिंब है, तो ये मेरे ही कोई दोष होंगे, क्यों क्या हुआ, क्या बताएं पिताजी, कछु आचार विचार को ध्यान नहीं है, कुतिया की नाई भूसत है, भोंकती रहे और कछु आचार विचार को ध्यान नहीं है, कुत्ते को आचार विचार का थोड़ी ध्यान होता है, रुचे नहीं है, वो समझ गया। चौथे को बुलाया, भोजन आदि से निवृत्त हुए, पूछा कैसा है, सब ठीक है, अरे क्या बताऊं, ये तो मेरे कोई सत्कर्म होंगे, पूर्व जन्म के आप बड़ों के आशीर्वाद के साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा ऐसी कन्या मुझे मिली है, इस कन्या को प्राप्त करके मैं तो धन्य धन्य हो गया। गुसाई जी कह रहे हैं, फिर वो जो पिता थो बाकी वही बेटी को बुलातो और वासे ही व्यवहार रखतो, बाकी तीनन को बुलातो नहीं। गुसाई जी ये प्रसंग सुना के कुमनदास जी आदि अन्य जो वैष्णव बैठे थे उनको ये समझाया कि खाली मनुष्य के आकार का होने से कोई मनुष्य नहीं बनता है, जिस मनुष्य के अंदर वैष्णवी संस्कार हो वो वास्तव में मनुष्य कहने के लायक है, खाली मनुष्य के आकार का दिखाई दे उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे अंदर वो आचार विचार है कि नहीं, कि हम भी वो बिल्ली के ताई वो चटोरे हैं, ठाकुर जी को धराए बिना पहले ही खा जाते हैं, कि घर में आचार विचार का ध्यान नहीं रखते कि एक दूसरे पे भूसत रहते हैं, हम क्या करते हैं, आप अपने चरित्र से अपने आचार विचार से अपने स्वरूप को पहचाने कि हम मनुष्य कहने के लायक हैं कि नहीं है। अरे गुसाई जी प्रभु चरण आज्ञा करें कि जा वैष्णव, जा मनुष्य के अंदर वैष्णवी संस्कार नहीं है वो मनुष्य कहने के लायक नहीं है, यानी मनुष्य की श्रेष्ठता प्रियजनों कुल या जाति या जन्म लेने से केवल नहीं है, हमारे आचार विचार हमारे संस्कार से हमारी पहचान होती है, संस्कारात् द्विज उच्यते, और ये पुरुषोत्तम धाम यानी ये वैष्णवी संस्कार वह आभूषणों को पहनने का ये एक स्थान है, ये अवसर है,
वो वैष्णव सब महद भाग्यशाली हैं कि जो नित्य निरंतर मंदिर में सेवा में पहुंचते हैं, फिर वह सोहनी की सेवा हो, कोई भी पात्र की सेवा हो, फूल घर की सेवा हो, या तन मन धन से समिति के जो भी कार्यकर्ता, वो सब आप अपने आप को महद भाग्य मानो कि ठाकुर जी ने ये अवसर प्रदान किया है। हाथ तो सबके पास होते हैं, लेकिन ये ठाकुर जी की कृपा है कि सोहनी मेरे हाथ में दी है। बाकी हाथ तो सबके पास हो, लेकिन सोहनी की सेवा मुझे मिली है, तो इसको कृपा मानो। और ठाकुर जी को जिसकी सेवा रुचती है ना, उसी को सेवा के प्रति रुचि बढ़ाते हैं। और आपको सेवा में कहीं आलस प्रमाद आने लग जाए तो समझ लो कि ठाकुर जी आपको सेवा से दूर कर रहे हैं, आपको सेवा, आपकी सेवा रुच नहीं रही है। बाकी आपकी स्वयं की रुचि बढ़े तो या इसका मतलब ये हुआ कि ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न है। प्रिय जनों, बड़े आनंद का विषय है, आज हमारे श्री गोपाल लाल, श्री गोवर्धन धर निकुंज नायक आज अपने गांव अपने क्षेत्र में विचार तो करिए, ये भूमि ये स्थान ये क्षेत्र के क्या ऐसे भाग्य होंगे, साक्षात आनंद कंद निकुंज नायक यहाँ पे विराज रहे हैं, ताजी महाराज श्री की पादुका जी विराज रही है, आप साक्षात स्वरूप से यहाँ विराज रहे हैं, ये कितना विशेष महद भाग्य है। और आज एक वर्ष ये ठाकुर जी का पाठोत्सव आने का अवसर, और इस अवसर पर ये सुंदर एक श्रीमद भागवत महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह भक्ति ही, क्योंकि हमारे पुष्टि मार्ग में जो भक्ति का जो प्रकार है प्रियजनों, वह महात्म ज्ञान पूर्वक है। जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, जिसके प्रति हमें भक्ति है, उसके बारे में समझ होना ये बहुत आवश्यक है। समझ पूर्वक ही भक्ति हो सकती है। तो ये 7 दिन ये वह महात्म ज्ञान प्राप्त करने का अवसर है, यानी कथा श्रवण में तत्परता रखो, शिथिलता नहीं होनी चाहिए। कथा श्रवण के लिए भी 12:30 का समय है कि 1 बजे का जो भी समय है, 10 मिनट पूर्व हम आकर अपना आसन ग्रहण करके भगवत कथा श्रवण करें कि जिसके हम दर्शन करते हैं नित्य, जिसके मनोरथों का आनंद लेते हैं, अब उसके बारे में जानने का अवसर आया है। दर्शन तो किए, लेकिन वह स्वरूप कैसा है, उनकी लीला कैसी है, उन्हें क्या प्रिय है, उन्हें क्या अप्रिय है, ये सब जानने का सु अवसर, यानी यह श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव। जब महात्म ज्ञान पूर्वक जब भक्ति होती है तो वह भक्ति फलीभूत होती है, यानी सुनो कथा सादर मन लागी, बड़े ध्यान बड़े भाव से श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत को श्रवण करें, यह कोई साधारण विषय नहीं है। क्योंकि जहां भागवत का महात्म्य आता है, उस महात्म्य के अंतर्गत भागवत के 5 फलों की चर्चा की गई है, और भागवत के माध्यम से जो फल यहां पे बताए गए, ये फल कोई साधारण फल नहीं है, लौकिक पारलौकिक फल नहीं है, ये बड़े उत्तम फल है, अलौकिक फल है, जिस फल के अंतर्गत भागवत श्रवण से सबसे पहला फल आपको क्या मिलेगा, महात्म में बताया गया साक्षात भागवत प्रवेश, यानी भागवत प्राप्ति ही भागवत श्रवण का मुख्य फल है। भागवत प्राप्ति, भगवत दर्शन प्रियजनों 2 प्रकार से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले भगवान उस भक्त के हृदय में विराज कर उसको कृतार्थ करते हैं, और फिर साक्षात रूप से उसको दर्शन देते हैं। भगवान 2 प्रकार से प्रकट होते हैं, सबसे पहले तो भक्त के हृदय में, सीधे डायरेक्टली बाहर कभी दर्शन नहीं दे। सबसे पहले आप देखिए, मथुरा में भी जब प्रभु का प्रागट्य हुआ कारागृह में, तो सबसे पहले वसुदेव जी के मन में भगवान का आविर्भाव हुआ, और फिर वसुदेव जी ने वेदी दीक्षा के माध्यम से
वह स्वरूप जो उनके हृदय में प्रकट हुआ था, वह स्वरूप देवकी जी के भीतर स्थापित किया। भगवान का प्रागट्य कोई लौकिक संबंध से नहीं हुआ है, यानी सबसे पहले भगवान भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। इसलिए हम कुशी मार्ग में दीक्षित होते हैं प्रिय जनों, कि सबसे पहले वह गुरु अपने हृदय में उस स्वरूप को, उस तेज को अपने हृदय में धारण करता है, तो कभी मंत्र के द्वारा, तो कभी स्पर्श के द्वारा, तो कभी चिंतन के द्वारा, तो कभी स्मरण के द्वारा उस जीव पर कृपा गुरु करते हैं। ये जो ब्रह्म संबंध लेते हैं, ब्रह्म संबंध है क्या कि मंत्र के द्वारा गुरु जो अपने हृदय में जो स्वरूप को धारण करते हैं, जो तेज को धारण करते हैं, वह मंत्र के द्वारा वह तेज, वह स्वरूप आपके हृदय में पधराते हैं। और फिर उस भक्त को, उस वैष्णव को भगवत मिलन की आरती हो तो धीरे धीरे वो हृदय में पधराया हुआ स्वरूप पुष्ट होने लगता है और फिर साक्षात रूप से दर्शन देते हैं। यानी भागवत श्रवण का साधारण श्रवण नहीं, बड़ी एकाग्रता के साथ श्रीमद् भागवत का जो श्रवण किया जाए, मन से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए, तो इसका उत्तम फल क्या है? भगवत प्राप्ति। श्री ठाकुर जी की प्राप्ति होना, यही भागवत का मुख्य फल है। भागवत श्रवण का दूसरा परम फल बताया गया परम प्रेम की प्राप्ति। देखिए, जब तक हमें संसार में आसक्ति है, जब तक हमें स्वजनों में मोह रूप स्नेह है, तब तक भगवान में स्नेह प्रीति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी तामे द्वई न समाई। याद रहे, भगवान ही एक प्रीति करने योग्य है। जिस प्रकार से बुखार में भोजन में स्वाद नहीं आता, वैसे ही संसारी जीवों को भगवत रस का अनुभव नहीं होता। तो भागवत श्रवण से जीव में जो सांसारिक आसक्ति है, वो आसक्तियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं और वह अंतःकरण उसका शुद्ध बनता है, जिसके चलते उसके हृदय में भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। शुद्ध अंतःकरण में ही भगवत प्रेम आकर टिकता है। यानी ये श्रीमद् भागवत अंतःकरण को शुद्ध बनाने वाले, भाव औषधात, इसलिए इसको कहा भाव औषधात श्रोत्र मनोभिरामात। यह श्रीमद् भागवत क्या है? भाव औषधि, भाव रोग को दूर करने की औषधि है। जिस प्रकार से देह के रोग को निवृत्त करने के लिए दवा या औषधि का सेवन किया जाता है, उसी प्रकार से मन के रोगों को दूर करने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि इन भवरोगों को निवृत्त करने के लिए ये श्रीमद् भागवत औषधि है। और ये औषधि को कैसे लेना है? मुंह से नहीं, कान से। कान से इस औषधि का श्रवण करें। गावश्च कृष्ण मुख निर्गित वेणु गीतम पीयूष मुद्भित कर्ण पुटये पिबन्त्यः। वेणु गीत में वर्णन किया गया कि जब ठाकुर जी वेणु नाद करते हैं तो ये गाय क्या करती है? अपने कानों को ऊपर कर उसका दोना बनाकर कर्ण पुटये ही ठाकुर जी का जो वेणु नाद है उस नाद का पान करती है। यानी ये जो भगवत कथा सत्संग है, इसको कानों के द्वारा पान करना है। रस रूप भगवान, यह श्रीमद् भागवत श्लोक कथा के माध्यम से हमारे श्रवणेंद्रिय से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं प्रियजनों। यानी कथा को बड़े सावधानी से सुनना, भाव औषधात श्रोत्र मनोभिरामात। श्रोत्र यानी ये श्रवणेंद्रिय को पवित्र करने वाली है, और केवल श्रवणेंद्रिय नहीं, मनोभिरामात मन को भी पवित्र करने वाली है। केवल कथा में आकर बैठोगे, सुनोगे तो कान पवित्र होंगे, लेकिन अर्थ के साथ कथा को ग्रहण करोगे तो मन भी पवित्र होगा।
केवल आकर बैठ गए और सुना, हाँ कान पवित्र हुए, लेकिन इसके अर्थों को समझते हुए जब ग्रहण किया तो मनो भी रामाय, यानी ये अंतःकरण को शुद्ध करने वाली। और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो भगवत प्रेम उस भक्त के हृदय में जागृत होता है। आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि विषयाक्रांत देहा नाम नाविशाह सर्वथा हरि। जिसका अंतःकरण हृदय विषयाक्रांत है, विषयों से भरा हुआ है, नाविशाह, उसके अंदर हरि का आविर्भाव नहीं हो सकता। तो भक्त के हृदय तो भगवान के विराजने का मंदिर है, और जब तक वो मंदिर शुद्ध स्वच्छ नहीं होगा तो ठाकुर जी कैसे उसमें विराजेंगे। जैसे हम अपने घर में रोज बुहारी झाड़ू पोछा लगाते हैं क्योंकि गंदे घर में बैठना हमें अच्छा नहीं लगता, तो ठाकुर जी के विराजने का स्थान तो ये हृदय है। वो जो ये हृदय शुद्ध नहीं होगा, राग द्वेष युक्त होगा, तो फिर ठाकुर जी उसमें कैसे विराजेंगे, भगवत प्रेम कैसे आएगा। और भगवत प्रेम बिना की हुई जो क्रिया सेवा, वो कर्म जड़ कहलाती है। वह कर्म जड़, यानी अंतःकरण को शुद्ध कर भगवत प्रेम प्रकट करने वाली यह श्रीमद् भागवत कथा है। कथा के श्रवण से भगवत प्रेम जीव के अंदर आविर्भूत होता है, यह इसका द्वितीय फल है। तृतीय फल है भगवत कृपा। भागवत श्रवण से क्या लाभ होगा, तो कि ठाकुर जी की कृपा होगी। किस प्रकार से कृपा होगी, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए। देखिए, जब तक ये जगत में दिखाई देती हुई जितने भी पदार्थ हैं, या जगत में दिखाई देते हुए कितने ही व्यक्ति वस्तुएं हैं, जब तक हम उनको उस व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ के रूप में देखेंगे, तो किसी के लिए हमें भाव होगा, किसी के लिए अभाव होगा, किसी के लिए गुण दिखाई देंगे, किसी के अवगुण दिखाई देंगे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वासुदेवः सर्वम् इति गीता जी में कहा गया है, और श्रुति भी कहती है, सर्वम खलविदं ब्रह्म तज्जिलानित शांतोपासितः, कि ये जो भी ये जगत में जीव या वस्तु जो दिखाई दे रही है, सर्व खलु इदं ब्रह्म, ये ब्रह्म का ही स्वरूप है। और जब इस प्रकार का भाव जीव के हृदय में प्रकट हो जाता है, तो उस जीव के मन में से मलिनता, कपटता, कठोरता आदि सब नष्ट हो जाती है, जिसको भगवत कृपा कहा जाता है। जब तक हम इस संसार में जो व्यक्ति के रूप में देखेंगे, हाँ ये फलाना व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के रूप में आप देखोगे तो उसके गुण दिखाई देंगे, कभी कभी दुर्गुण दिखाई देंगे, कभी उसमें भाव आएगा, कभी उसके लिए अभाव आएगा, कभी राग होगा, कभी द्वेष होगा। लेकिन ये जो भी व्यक्ति या वस्तु है, सब ब्रह्म का ही स्वरूप है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचम जगताम जगत तेन तक्तेन भूजिता, उपनिषद कहते हैं कि ये ईशावास्य सब पूरा जगत भगवतमय है। यानी ये प्रकार का भाव आ जाना प्रियजनों, ये बहुत बड़ी चीज है, इसको भगवत कृपा कहा जाता है। दृष्टि बदल जाए, दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदलेगी, जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। याद करिए प्रसंग, आपको मैं स्मरण कराऊं, जब द्वारका में गए युधिष्ठिर जी और दुर्योधन, भगवान ने दोनों को एक एक कार्य सौंपा। दुर्योधन को कहा कि जा द्वारकापुरी में घूम के आ और कोई सज्जन को ढूंढ के लेकर आओ, और युधिष्ठिर जी को क्या कहा, कोई दुर्जन को लेकर आइए। दोनों जने गए द्वारका में, घूमे, खाली हाथ आए। युधिष्ठिर जी से पूछा, कोई दुर्जन को लेकर नहीं आए? युधिष्ठिर जी कहते हैं, प्रभु आपने कहा होता कोई सज्जन को लेकर आओ तो एक नहीं पचासों को ले आता, क्योंकि आपके ये ग्राम में, नगर में कोई दुर्जन तो है ही नहीं। और दुर्योधन को कहा, तू क्यों खाली हाथ आया? अरे द्वारकाधीश, आपने कहा होता कोई दुर्जन को लेकर आ तो एक नहीं पचास ले आता, आपने कहा सज्जन को लेकर आ, अब आपके ये पुरी में सज्जन तो कोई है ही नहीं, सब दुर्जन ही दुर्जन है, अब मैं कहां से लेकर आऊं, दोनों खाली। विचार करिए, वही नगरी है, वही लोग हैं, लेकिन दुर्योधन की दृष्टि में कोई सज्जन नहीं है और युधिष्ठिर की दृष्टि में कोई दुर्जन नहीं है। भेद केवल और केवल हमारी दृष्टि का है। यानी जब तक ये जगत में केवल हम व्यक्ति के रूप में सबको देखेंगे या वस्तु के रूप में हम सबको देखेंगे,
तो कोई चीज अच्छा या बुरा लगेगा, लेकिन जो भी हो रहा है ये सब ठाकुर जी की लीला है। रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः, सब लीला करने वाले ठाकुर जी स्वयं ही है। किसी के साथ हमारी मित्रता होनी, किसी के साथ कहीं दुराव हो जाना, इसको भी भगवत इच्छा लीला का एक अंग मानो प्रिय जनों। तो मन से किसी के प्रति दुर्भाव जागृत नहीं होंगे, मन की कठोरता, कपटता, मलिनता ये सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। और इसको क्या कहते हैं? भगवत कृपा। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही कि तुझसे नहीं तेरे अंदर बैठे खुदा से मोहब्बत है मुझे, तुझसे नहीं तेरे अंदर बैठे खुदा से मोहब्बत है मुझे, तू तो फकत एक जरिया है मेरी इबादत का, तू तो केवल एक माध्यम है, बाकी तुझसे नहीं तेरे अंदर बैठे खुदा से मोहब्बत है मुझे। सर्व खलु इदं ब्रह्म, सब में भगवत अंश विराजमान है, ये भाव जागृत हो जाना इसको कृपा कहा जाता है। विचारिए ऐसा फल और किन साधनों से मिल सकता है, और कोई संसार में साधन नहीं है प्रियजनों कि इस प्रकार का भगवत कृपा उत्तम फल मिले। केवल श्रीमद् भागवत के माध्यम से ही ये कृपा का जीव अनुभव कर सकता है। जो कथा को ध्यान से सुना जाए, कथा को सर्वांग के साथ सुना जाए तो ये भागवत दृष्टि देती है जग को देखने की। भागवत का चतुर्थ फल है निसंशयता। हृदय में से सब संशय ताप दूर हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सभी तापों को दूर करने वाला, सभी संशयों को दूर करने वाला। वो लौकिक संशय क्यों ना हो, जीवन में कई बार प्रश्न खड़े हो जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आपके लौकिक संशय हो, आपके अलौकिक संशय हो, सब संशयों को दूर करने वाला ये श्रीमद् भागवत है। क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, गीता जी में भगवान कहते हैं संशय आत्मा, संशय से उस जीव का विनाश हो जाता है। यानी आपके आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि देविक तीनों प्रकार के संशय ताप को दूर करने वाला यह श्रीमद् भागवत है। और पांचवी बात निर्भिग्धता। अभय पद जो प्रदान करे वो श्रीमद् भागवत है। अभय पद की प्राप्ति। जीवन में कई छोटे बड़े भय आते हैं और सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का है ही, लेकिन सब भयों को दूर कर निर्विघ्न बना ले वो श्रीमद् भागवत है। नहीं बाकी तो कितने ही कोई भी कार्य करना हो तो कितने भय हमें सताते हैं, ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, इसको क्या जवाब देंगे, क्या कई प्रकार के भय हैं, लेकिन भागवत सब भयों को दूर करने वाला, निर्विघ्नता प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवत है। एक प्रसंग आता है कि एक बार एक कोई युगल दंपत्ति पानी के जहाज में बैठकर जा रहे थे यात्रा करने के लिए। अब जहाज की यात्रा करे, उसमें दो चार दिन का सफर था, तो जहाज में बैठे। ये जो पति था वो प्रकृति का प्रेमी था, भक्तनिष्ठ था। अब एक दिन की बात है, दो दिन निकल गए जहाज की यात्रा में, तीसरे दिन सायंकाल का समय, वह बड़ा जहाज होता है स्टीमर, उसके बाहर केबिन थी तो उसमें बैठा हुआ था और बढ़िया हर जगह पानी पानी दिखाई दे रहा है, शाम ढल रही है, धीरे धीरे सुंदर नक्षत्र तारा आदि के उसको दर्शन हो रहे हैं, और ऐसी सुंदर प्रकृति को देखकर वो प्रकृति में खो गया। प्रकृति प्रेमी था, इतना प्रफुल्लित आनंदित हो गया। धीरे धीरे समय निकला, अचानक से ऐसी तेज हवाएं चलने लग गई कि उस हवाओं से जो लहरें वो भी बड़ी बड़ी आने लगी, और जैसे ही बड़ी बड़ी लहरें आई तो उससे जो जहाज था पानी का, वो हम समझ सकते हैं कि उसका बैलेंस, सभी लोग ऐसी अफरा तफरी मच गई, लोग घबराए, अरे ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे स्थिति ऐसी बिगड़ने लग गई प्रियजनों, जहाज का जो कप्तान था उसने तो कह दिया कि भैया आप ज्यादा समय नहीं बचाए, क्योंकि पानी उछल उछल कर
जहाज में आने लग गया कि अब ज्यादा समय नहीं है, अब तो लग रहा है घंटे से डेढ़ दो घंटे में ये जहाज डूब जाएगा। ऐसा करो आप तैरने के साधन लेकर, वो जैकेट होता है वो पहनकर तैरने वाले, वो आप लेके पानी में कूद जाओ, उससे बच सकते हो। बाकी अब और कोई चीज बची नहीं है। सभी लोग घबराए कि क्या करें, सब लोग प्रयास करने लगे। अब उसकी पत्नी जो नीचे केबिन में उसके रूम में थी, वह भी जैसे तैसे करके, क्योंकि पति ऊपर बैठा हुआ छत पर, तो ये उसके पास आई, देखा तो ऐसी प्रकृति को देखकर वर्षा हो रही है ना, वो और नाचने लगा। उसको देखकर ये इसकी पत्नी कहती, अरे ये क्या कर रहे हो, आपने सुना नहीं क्या ये जहाज अभी डूबने वाला है, चलिए चलिए हम भी जैकेट लेते हैं कुछ करते हैं। वो कह, तू जा यहां से, मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे तो इसमें बड़ा मजा आ रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो, डेढ़ दो घंटे में ये जहाज डूब जाएगा, हम मर जाएंगे, आपको डर नहीं लग रहा है? कह, नहीं मुझे कोई डर नहीं है, तुझे डर लग रहा है तो तुझे जो करना है सो कर। अरे नहीं आप भी चलो, आपको छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। अब उसके पति के जेब में अंदर एक पिस्तौल थी, शायद मुरैना का होगा, पता नहीं कहां का था। वो पिस्तौल उसने निकाली और रिवॉल्वर वो निकाल कर उसके सिर पर रख दी, पत्नी के सिर पर रख दी। ये क्या कर रहे हो? पति कहने लगा, देख ये कब डूबेगा जहाज, तू कह रही है डेढ़ दो घंटे में, कि हाँ डेढ़ दो घंटे में कहा है, ये तो जब डूबेगा सो डूबेगा, जो तू अभी यहां से नहीं गई तो अभी मैंने ट्रिगर दबाया और तेरी मृत्यु यहां पे निश्चित है, तुझे जो करना हो सो कर। ये देखकर वो मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। वो कहता है, या मैं बहुत ही सीरियस, मैं गंभीर हूं, अभी मैं ट्रिगर दबाऊंगा, तेरी मृत्यु निश्चित है, तू मर जाएगी, तुझे जो करना हो सो कर, मुझे अकेला छोड़। वो हंसती हुई कहने लगी, अरे आप मुझे नहीं मार सकते। अच्छा तुझे इतना भरोसा है? हाँ मुझे भरोसा है, आप तो मेरे पति हो, आप मेरे रक्षक हो, आप मुझे कैसे मारोगे? हंसते हुए उसका पति कहने लगा, मैं तो तेरा एक सांसारिक पति हूं, लेकिन तेरे मेरे इस जगत के पति तो भगवान श्री कृष्ण है। जो तुझे ये साधारण पति पे इतना विश्वास है, तो मुझे मेरे पति पे कितना विश्वास होगा, तू स्वयं विचार कर। मैं तो एक प्राकृत साधारण पति हूं, वास्तव में हम सबके पति कौन है? श्री कृष्ण पालयति इति पति ही, जो सबका पालन करे वो पति है। तो वास्तव में पालन करने वाला वो है, और जो उन्होंने सोच लिया है तो मैं जितने ही प्रयास करूं तो भी कुछ नहीं होना है। यानी तुझे जो करना हो सकर, और आप मानिए उसकी दृढ़ता, उसके विश्वास के चलते धीरे धीरे मौसम परिवर्तित हो गया, धीरे धीरे तूफान शांत हो गया और सबके प्राण बच गए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यानी ये भगवत कथा प्रियजनों हमें निर्विघ्न बनाती है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मनुष्य नाना प्रकार के कर्म करता रहता है, लेकिन कर्म के साथ भय भी आ जाता है। तो ये सब भयों को दूर करने वाला ऐसा विश्वास अंदर से पैदा कर देता है कि फिर आप कोई भी कार्य करने में आपको एक संकुचितता या प्रश्न ये सब उसमें नहीं खड़ा होता। यानी अभय पद को प्राप्त कराने वाला निर्विघ्न, जैसे परीक्षित जी, सबसे बड़ा भय मृत्यु का, 7 दिन कथा सुनकर वो निर्विघ्न हो गए। कब तक्षक आया दंश दिया उनको पता भी न चला। ये 5 फल प्रियजनों, यानी आप विचार करो जिस विषय को हम सुनने के लिए बैठे हैं, याद रह गए कौन कौन से? सबसे पहला भगवत दर्शन, फिर भगवत प्रेम, तीसरी बात भगवत कृपा, चौथा निशंशयता, और 5वां निर्विघ्नता। ये 5 वस्तु और कहीं से नहीं मिल सकती, इसके बिना सब अधूरा है। तो महात्म्य के अंतर्गत प्रियजनों ये 5 इसके परम फल बताए गए हैं। यानी मैंने फल आपको पहले ही बता दिया कि जिससे सुनने में आपकी रुचि बढ़े, क्योंकि हम कोई भी कार्य प्रवृत्ति तब करते हैं कि ये करने से मुझे क्या मिलेगा, तभी तो हमारी रुचि बढ़ती है। मैं ये काम करूं, ये करने से मुझे लाभ क्या होगा? तो लाभ फल मैंने आपको पहले बता दिया। अब जो आपको ये 5 परम फल चाहिए, तो आइए कथा में श्रीमद् भागवत का आश्रय करें, भागवत की शरणागति ग्रहण करें और ये 5 फलों की ओर ध्यान से
कथा को श्रवण करें। भागवत के सानिध्य में आकर जितने ही सब दोषों की निवृत्ति हो जाती है, बस आवश्यकता है भागवत की शरणागति, हृदय से मन से शरणागत भाव होना चाहिए। यानी आज ये प्रथम दिवस की कथा में श्रीमद् भागवत जो श्रीनाथ जी का ही वांग्मय स्वरूप है, हम हृदय से मन के साथ अंतरात्मा के साथ श्रीमद् भागवत भगवान की शरणागति को स्वीकार करते हुए, भाव प्रकट करते हुए यही विनती करते हैं। जितनी रवि छाया की कणिका, जितनी रवि छाया की कणिका, जितने दोष हमारे, जितने दोष हमारे, जितनी रवि छाया की कणिका तितने दोष हमारे, हमारे दोषों की कोई गिनती नहीं है। लेकिन हे प्रभु, तिहारे चरण प्रताप तेज ते, तिहारे चरण प्रताप तेज ते, तेउ तत छीन तारे, शरण आए सोई तारे, जे जन शरण आए, शरण आए सोई तारे, शरण आए सोई तारे, जे जन शरण आए सोई तारे, दीन दयाल प्रगट पुरुषोत्तम, दीन दयाल प्रगट पुरुषोत्तम, दीन दयाल प्रगट पुरुषोत्तम, दीन दयाल प्रगट पुरुषोत्तम, विठल नाथ ललारे, श्री विठल नाथ ललारे, जे जन शरण आए सोई तारे, जे जन शरण आए सोई तारे। हाँ, बैठे बैठे ताली की सेवा अवश्य करें। जितनी रवि छाया की कणिका, जितनी रवि छाया की कणिका, तितने दोष हमारे, इतने दोष हमारे, तुम्हारे चरण ते उतत
छिन डारे ते वो तते छिन डारे जे जन शरण आए सोई तारे शरण आए ते तारे जे जन शरण आए कंठ तिलक माथे धर माला कंठ तिलक माथे धर शंख चक्र वपुदारे शंख चक्र वपुदारे माणिक चंद्र प्रभु के गुण से माणिक चंद माणिक छंद माणिक छंद माणिक छंद शरण आए सोई तारे जे जन शरण आए सोई तारे शरण आए तारे जे जन शरण आए सोई तारे and
वो पत्यारी है तब सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः सच्चिदानंद रूपा जो भागवत के मुख्य नायक हैं पर ब्रह्म श्री कृष्ण उनका स्वरूप क्या है, उनका कार्य क्या है और उनका स्वभाव क्या है, इन तीन विषयों का निरूपण प्रथम श्लोक में किया गया। आनंद रूपा कैसा आपका स्वरूप है तो क्या सच्चिदानंद सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। जब देह नहीं उत्पन्न हुआ था तब भी देह ही था, देह नष्ट होने पर क्योंकि ब्रह्म ही इस जगत का कारण है। भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आविर्भाव और तिरोभाव के प्रकार से जगत और जीव को प्रकट करते हैं। जब भगवान अपने में रहा हुआ आनंद अंश
तिरोहित कर देते हैं तो भगवान के सत और चित अंश से चैतन्य सृष्टि प्रकट होते हैं। जब भगवान अपने अंदर रहा हुआ चिदंश और आनंद अंश को तिरोहित करते हैं तो भगवान के सदंश से जगत की उत्पत्ति होती है, यानी ये जो जगत हमें दिखाई दे रहा है ये सत है, सदंश इसमें विराजमान है। जीव जो भी है उसके अंदर सदंश भी है, उसके अंदर चिदंश भी है। चिद यानी चैतन्यता, हमें जो ज्ञान होता है वह चैतन्यता कही जाती है। एक्जिस्टेंस जो हमें अपने आप में हूं, ये जो है ये भगवान दंश के माध्यम से ही हमें अपने आप का अनुभव होता है। जो वो अंदर से चिदंश निकल जाए तो हमको अपने आप का अनुभव नहीं होता है। यानी आप सदंश हैं, आप चिदंश हैं, आनंद और आनंद स्वरूप है। आनंद भी कैसे, पूर्णानंदो हरिस्तस्मा कृष्ण एव गतिर्मम। आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि परब्रह्म श्री कृष्ण में जो रहा हुआ जो आनंद है वह आनंद कैसा है। प्राकृता सकला देवा गणितानंदकं बृहत् पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। जितने भी अन्य देवी देवताएं हैं सब प्राकृत हैं और उनके अंदर रहे हुए आनंद की गणना की जा सकती है, लेकिन परब्रह्म श्री कृष्ण श्रीनाथ जी के उनके आनंद की गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि आप पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हमारे यहाँ पे शास्त्रों में यह आनंद के प्रकार की पूरी गणना का एक प्रकार एक बताया गया है। ध्यान दें, कोई स्वस्थ सदाचारी विद्या संपन्न बुद्धिमान बलवान मनुष्य, उस मनुष्य को विपुल मात्रा में जो पृथ्वी का राज्य मिल जाए तो उस पृथ्वी का राज्य मिलने से जो आनंद मिलता है उस आनंद को एक केवल मानवीय आनंद कहा जाता है। किसको एक मानवीय आनंद कहा जाता है कि एक सदाचारी जो विद्या संपन्न है बुद्धिमान भी है बलवान भी है और विपुल मात्रा में पृथ्वी का राज्य मिल जाने से जो सुख मिलता है उसको वो मनुष्य का एक आनंद कहा जाता है। केवल ये मानवीय आनंद है। इस मनुष्य से 100 गुना आनंद गंधर्वों का आनंद है। गंधर्वों से 100 गुना आनंद पितृलोक में स्थिर रहने वालों का है, उससे 100 गुना आनंद अजानज नामक देव का है, उससे 100 गुना आनंद कर्म देव का है, उससे 100 गुना आनंद देवों का आनंद है, देवताओं से 100 गुना आनंद प्रजापति का है, प्रजापति से 100 गुना आनंद ब्रह्मा जी का एक आनंद है। तो ब्रह्मा जी तक के आनंद की गणना की जा सकती है, लेकिन श्री कृष्ण परब्रह्म जो पूर्णानंद है उनके आनंद की गणना करना असंभव है, संभव नहीं है। इसलिए आचार्य चरण अगणितानंद प्राकृत धर्मानाश्रयम् अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धम् साकृतिस्तौमि। तो वह परब्रह्म श्री कृष्ण प्रियजन वह अगणितानंद है, वही पूर्णानंद है, और उन पूर्णानंद परब्रह्म श्री कृष्ण की सेवा करने से जो आनंद मिलता है उस आनंद को भजनानंद कहा जाता है। ब्रह्मा जी तक के आनंद की गणना हमने करी जो शास्त्र के अनुसार 100-100 गुना आनंद, लेकिन वास्तविक जो पूर्णानंद है परब्रह्म श्री कृष्ण उनकी सेवा करने से जो आनंद मिलता है उसको भजनानंद, क्योंकि आनंद भी 3 प्रकार के हैं, विषय आनंद ब्रह्मानंद और भजनानंद। विषय यानी वस्तु और व्यक्ति से मिलते हुए आनंद उसको विषय आनंद कहा जाता है।
उससे ऊपर है, जब विषयों में अरुचि सी आ जाए तो उसको ब्रह्मानंद कहा जाता है, और ब्रह्मानंद से भी ऊपर है भजनानंद, और भजनानंद का मतलब है भज सेवायाम। सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यत्वापि कदाचन। स्वस्यायम एव, एव यानी यही हमारा सबका कर्तव्य है, धर्म है वैष्णव का। क्या? सर्वदा सर्वभावेन, सर्वभाव से सर्वदा ब्रज के अधिपति श्री कृष्ण की सेवा करनी, ये हम सब वैष्णवों का यही एक मुख्य धर्म है। और ये सेवा करने से प्रियजनों जो आनंद की उपलब्धि होती है उसको भजनानंद कहा जाता है। सेवा से बढ़कर और कोई आनंद नहीं है प्रियजनों, क्योंकि जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वही आनंद स्वरूप है। आनंद उ ब्रह्मेति, आनंद ही ब्रह्म का एक नाम है। और देखिए ये उस आनंद नाम के आगे दो, इसके आगे विशेषण लगाए गए, एक है सत और दूसरा है चित। यानी परब्रह्म श्री कृष्ण के में से जो आनंद मिल रहा है वही आनंद सत है और वही आनंद चित भी है। भगवान में से मिलता हुआ आनंद सत है, वस्तु या व्यक्ति में से मिलता हुआ आनंद सत नहीं है, क्योंकि अस्थिरम जीवितम लोके अस्थिरम धन यौवने अस्थिरम पुत्र दाराश्च धर्म एको हि निश्चलः। सब कुछ अस्थिर है इस संसार में, तो उससे मिलता हुआ आनंद भी स्थिर नहीं हो सकता। लेकिन ब्रह्म में से मिलता हुआ आनंद सत है, और ब्रह्म में से ही मिलता आनंद चित यानी चैतन्य भी है। वस्तु और व्यक्ति में से मिलता आनंद चैतन्य नहीं, उसको जड़ कहा जाता है, वो जड़ है। इसलिए यहाँ पे आनंद के आगे सद और चित, ये दो विशेषणों का प्रयोग करके हमें बताया गया कि ब्रह्म यानी भगवत सेवा से जो आनंद मिलेगा प्रियजनों, वही आनंद सत है और वही आनंद चित है। ऐसे सच्चिदानंद रूप जो विश्व की उत्पत्ति लय और जो पोषण के कारणभूत है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने वाले, विनाशाय, देखिए नाश के आगे भी उपसर्ग लगा, जैसे कोई बीमारी हो तो हम औषधि लें, औषधि लेने से या इंजेक्शन लेने से रोग का नाश होगा? कोई डॉक्टर ऐसे गारंटी थोड़ी देगा कि अभी तुझे भविष्य में ये कभी रोग नहीं आएगा, वो रोग दब गया ऐसा कह सकते हैं, लेकिन कल भी हो सकता है वो रोग, 8 दिन बाद भी हो। लेकिन तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के दुखों का विनाश करने वाले परब्रह्म श्री कृष्ण है, वो जीवन में फिर दूसरी बार आता ही नहीं, विनाशाय। ऐसे श्री कृष्णाय, केवल कृष्ण नहीं, श्री आगे शब्द जो रखा गया, श्री से स्वामी जी उसका अर्थ होता है, श्री से लीला परिकर समेत, श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब नमस्कार करते हैं। केवल अकेले कृष्ण को नहीं, श्री यानी जी स्वामी जी समेत हम कृष्ण को वयम नमः, हम सब नमस्कार करते हैं। नमस्कार के अंतर्गत प्रियजनों आत्मनिवेदन का भाव रहा हुआ है, नमः इति नमः, नमः नमन करते हैं तो उसमें क्या है, न ममः, जब आप ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़कर दंडवत करते हो ना, इसका मतलब ये हुआ न ममः, मेरा कुछ नहीं है सब कुछ आपका है, ये भाव नमस्कार के पीछे रहा हुआ है। यानी जब नमस्कार करें तो नमस्कार के साथ एक संकल्प, एक वचन से जीव बंध जाता है कि प्रभु हम आपसे नमक हलाली करेंगे, नमक हरामी नहीं बनेंगे। जब आप ठाकुर जी को वंदन करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि एक संकल्प आपने लिया कि हम आपके वफादार बन के रहेंगे, आपसे बेवफाई नहीं करेंगे। जब आप ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं तो उसके पीछे एक संकल्प जुड़ जाता है कि प्रभु हम प्रामाणिकता से जीवन यापन करेंगे, अप्रामाणिकता से नहीं जिएंगे, कमाओ तो नीति से, रहो तो रीति से, और हरि भजन करो तो प्रीति से, नीति रीति और प्रीति।
विश्वोत्पत्यादि हेतवे तावत्त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। जो नायक हैं उन श्री कृष्ण के स्वरूप, उनके स्वभाव और उनके कार्य का वर्णन किया गया। द्वितीय श्लोक के अंतर्गत भागवत के मुख्य वक्ता, उनको वंदन किया गया, उनका स्वभाव कैसा है। देखिए, ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन होता है और गुरु के स्वभाव का वर्णन होता है। तो ये भागवत के मुख्य प्रधान वक्ता, आपका स्वभाव कैसा है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु स्तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तम्, यहाँ पे कथा आती है कि जन्म के साथ ही आप कैसे हैं। प्रव्रजन्तम्, सन्यासी बनकर घर से निकल गए। प्रव्रजन्तम्, प्र उपसर्ग है, ब्रज धातु है, सन्यास के अर्थ में प्रयोग किया गया है। देखिए, सुखदेव जी के लिए यहां पे ब्रजंतम नहीं अपितु प्रव्रजन्तम् विशेषण दिया गया, यानी जिस दिशा में एक बार गए उस दिशा में वापस जन्म हुआ तो 16 वर्ष के हैं और बाहर आते ही सीधे वन में, वन की ओर चल पड़े। अपेत कृत्यम, जो पूर्ण कृत्य है, जो साधन सिद्ध संत नहीं है, जो स्वयं सिद्ध संत हैं, ऐसे संत को देखकर व्यास जी पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु। व्यास जी महाराज पीछे जा रहे हैं एवं प्लुत ध्वनि में पुकार रहे हैं, द्वैपायनो। द्वैपायन शब्द यहां व्यास जी के लिए प्रयोग किया, संस्कृत में पुत्र इति इस प्रकार का शब्द का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या शब्द आया, पुत्रेति। पुत्र इति नहीं, पुत्रेति, यानी दोनों में शब्द में संधि की हुई है। आचार्य चरण यहां पे सुबोधिनी में समझाते हैं कि ये भले पुकार रहे हैं व्यास जी अपने पुत्र को देखकर, लेकिन प्लुत धाती में, प्लुत ध्वनि में उनका हृदय इतना तन्मयतया, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु, इतने पुत्र विरह में ये कातर तन्मय हो गए हैं कि जो पुकारने के समय जो आवाज निकलनी चाहिए, ओ पुत्र, हे पुत्र, लेकिन जब हृदय में प्रेम, हृदय भरा हुआ हो, भाव से भरा हुआ हो, तो अंदर से जोर से आवाज नहीं निकलती। तो इसलिए क्या बोला, बड़े प्लुत ध्वनि में धीरे से, हे पुत्र, आवाज भी ज्यादा नहीं निकल रही है, इसलिए यहाँ पे पुत्रेति शब्द का प्रयोग किया। बाकी जब पुकारते हैं ना, किसी को चिल्लाना हो, चिल्ला के पुकारना हो, तो पुत्रेति शब्द नहीं आवे, पुत्रेति। लेकिन आचार्य चरण समझाते हैं कि इनकी जो हृदय की जो अवस्था है व्यास जी की, उस समय ये व्यास जी उनके पीछे पीछे, श्री सुखदेव जी आगे। सुखदेव जी ने तो प्रति उत्तर नहीं दिया, लेकिन वहां पर तर्वाह वृक्षा विनेदु तर्वो विनेदु, व्यक्ति शब्द
वृक्षों ने अव्यक्त रूप से व्यास जी को कहा, क्योंकि सर्वभूत प्राणियों में अंतरात्मा स्वरूप में महामुनि श्री सुखदेव जी विराजमान है, तो सर्वभूत यानी सर्वभूत हृदय सर्वभूतानाम प्राणिनाम रत हृदयम अयाते प्रेरयति इति सर्वभूत हृदय तम सर्वभूत हृदय। तो ये सर्वभूत होने के कारण श्री सुखदेव जी वृक्षों को प्रेरित करते हुए आगे चल रहे हैं, और वृक्ष जो सुखदेव जी से प्रेरणा मिली वह वृक्ष अनद अव्यक्त शब्द अव्यक्त रूप से वृक्ष व्यास जी को कह रहे हैं। अब वृक्ष व्यास जी को क्या कह रहे हैं, गुढ़ार्थ दीपिका के अंतर्गत इसका भाव प्रकट किया गया। हे व्यास, वयम स्थावरा अस्माकं फलस्वरूपा बहव पुत्रः जायन्ते नश्यन्ति न वयम शोचामः। भवांस्तु जंगमः ज्ञानिनां शिरोमणि भगवतः कलावतारश्च अर्थापि शोचयति इस्ताश्चर्यं नेतत्वै उपर्जुयत इति। टीकाकार कहते हैं कि वृक्ष कह रहे हैं कि वयम स्थावराः अस्माकं फलस्वरूपा बहव पुत्रः जायन्ते नश्यन्ति च न वयम शोचामः। कि हे व्यास जी, हम तो स्थावर हैं, जंगम हैं, जड़ हैं, और जब हमारे बाह्य पुत्र यानी जो हमारे में जब फल आ जाते हैं तो वह फल स्वरूपा बहवा पुत्र जायन्ते नश्यन्ति च, उस फल का जब समाज उपभोग करता है तो न वयम शोचामः, तो हम उस पर विचार नहीं करते, उस पर खेद नहीं रखते। तो आप जंगमः ज्ञानिनां शिरोमणि, आप तो ज्ञानियों के शिरोमणि हो, और तो और भगवान के कला अवतार हो, तो आप फिर ये जो पुत्र आप इसको समाज के लिए समर्पित कर दीजिए, आप इसमें आसक्ति मोह न रखें। वनस्पति ही वैष्णवा, आचार्य चरणाज्ञा कर रहे हैं, वनस्पति वैष्णव है, क्योंकि वैष्णवता के सबरे लक्षण हमें वृक्षों से मिलते हैं। एक और ये जो एक वैष्णव की भाषा या एक संत की भाषा दूसरा कोई संत ही समझ सकता, तो इसलिए टीकाकारों ने कोई ऐसा कहे कि क्या वृक्ष में वृक्ष बोलते हैं, शब्द होते हैं। हाँ प्रियजनों, आज का आधुनिक विज्ञान भी इस विषय को मानता है कि वृक्ष के भाषा हैं, शब्द हैं, लेकिन वो शब्दों को हर एक कोई समझ नहीं पाता, उन भाषा को हर एक नहीं समझ पाता, ये अलग बात है। एक जगह रहते नहीं, क्यों एक जगह नहीं रहते ये सुखदेव जी, क्योंकि इनके अंदर भय है। कोई कहे सुखदेव जी में भय, तो क्या हाँ कैसा भय, तो क्या आसक्ति का भय कि मैं एक जगह टिक जाऊं और वहां पे फिर मुझे किसी का संग हुआ, आसक्ति हो गई, तो आसक्ति फिर कर्म के बंधन में बांधेगी, तो मुझे कर्म के बंधन में बंधना नहीं है, आसक्तियां रखनी नहीं है, इसलिए वो एक जगह पर ज्यादा टिकते ही नहीं। सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि, इस प्रकार ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को मुनि विद राग भय क्रोध सतीर्धेन मुनिरुच्यते, जिसमें से राग क्रोध भय आदि निवृत्त जिनके हो चुके हैं, ऐसे मुनि श्री सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। भागवत के मुख्य नायक एवं भागवत के प्रधान वक्ता, नमस्कार के पश्चात आगे नैमिषारण्य में जहाँ शौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषि जहाँ पे एकत्रित हुए हैं यज्ञ करने के लिए, ऋषि कुमार एकत्रित हुए हैं शौनक आदि ऋषि। ये शौनक ये कुल गुरु कुलपति हैं, जिनके सानिध्य में हजारों ऋषि रहते हैं, ऋषि कुमार अध्ययन करते हैं। तो नैमिषारण्य क्षेत्र को योग्य स्थान मानकर वहां पे यज्ञ कर रहे थे, उसी समय वहां पे सूत जी का आगमन हुआ। नैमिषे सुतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य क्षेत्र में महामति ऐसे सूत जी का आगमन हुआ, जिनको देखकर कथामृत रसास्वाद कुशल जो है कौन, तो के शौनक जी बड़े प्रसन्न हुए और उनका अभिवादन किया। देखिए दोनों के लिए यहां पे विशेषण दिया गया, शौनक जी के लिए और सूत जी के लिए। सूत जी को क्या कहा, महामतिम।
सूत जी कैसे हैं? महामति वाले। महामति किसको कहा जाता है? संसार में लौकिक कार्य में बड़ा चतुर हो, एक सफल नेता के रूप में, अभिनेता के रूप में भी आगे हो, लेकिन जो परमार्थ में बिल्कुल शून्य हो। लौकिक कार्य में चतुर दिखाई दे, लेकिन परमार्थ के कार्य में तो शून्य हो, तो उसको महामति नहीं कहा जाता, क्योंकि सब में महान भगवान है और उसमें जिसकी मति है वो महामति। प्रसंग आता है ना कि एक बार सिकंदर, ठंड का समय था तो किसी को कंबल देने की इच्छा व्यक्त करी, तो वो संत ने लेने से मना कर दिया कि कुछ तो ले लो, एक कंबल ले लो, कि नहीं और कुछ आपको चाहिए, तो कि नहीं। तो वो सिकंदर कहने लगा, अरे तुमसे बड़ा त्यागी तो मैंने और कोई नहीं देखा। वो संत कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, मेरे से बड़े त्यागी तो आप हो। वो कहता है, मैं कहाँ त्यागी हूँ, मैंने तो आपसे बड़ा त्यागी नहीं देखा, इतनी ठंड है, कंबल भी आप नहीं ले रहे हो, सब कुछ छोड़ दिया। तो नहीं, मेरे से बड़े त्यागी तो आप हो। कैसे? तो कि मैंने तो भगवान के लिए संसार की तुच्छ वस्तुओं को त्याग दिया, आपने तो सांसारिक तुच्छ वस्तुओं के लिए भगवान को त्याग दिया, तो आप तो मेरे से भी बड़े त्यागी हो। आप तो मेरे से भी बड़े त्यागी, क्योंकि मैंने तो ईश्वर के लिए वस्तुओं को त्यागा, आपने वस्तुओं के लिए ईश्वर को त्याग दिया। अरे सब में महान भगवान है और उसमें जिसकी मति है वो महामति। ऐसे सूत जी का आगमन हुआ, शौनक जी ने उनका अभिवादन किया, जो कथामृत रसास्वादन में कुशल है। कुशलता, कुशल श्रोता इसको कहा जाता है जिसके अंदर तीन लक्षण हो। सबसे प्रथम है मन की एकाग्रता, दूसरा है हृदय की निर्मलता और तीसरा है अनुकूल मनन। ये तीन लक्षण जिसके अंदर है उसे कुशल श्रोता कहा जाता है। एकाग्रता से श्रवण करना, निर्मलता से निर्मल हृदय मोए मन भावा, मोए कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल हृदय जो भी सुने निर्मल हृदय से सुने श्रद्धा के साथ, और जो सुना उसका मनन भी जरूरी है। शौनक जी ने सूत जी को अभिवादन किया और सुंदर प्रश्न किया। सूताख्यादि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कथाएं तो बहुत सुनी, कथा का सार हमें आप सुनाइए। समस्त कथाओं का सार क्या है? जो हमारे कानों के रसायन स्वरूप हो। देखिए, रोग की निवृत्ति के लिए जिसका सेवन किया जाए उसको औषधि कहते हैं, रोग हो ना उसके लिए जिसका सेवन किया जाए उसको रसायन कहा जाता है। है। और गोपियों के लिए तब कथामृतम तप्त जीवनम् कविभिरन्वितम् कल्मषाकः श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातकम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। गोपियों के लिए ये कथा अमृत है, गोपियों के लिए ये कथा जीवन है। जो कथा के बिना रह ना सके, जो सत्संग के बिना रह ना सके, वह वैष्णव है। इसलिए तो हमारे आचार्य ने, आचार्य चरणों ने गोपी जनों को अपना गुरु, गोपियों को अपना गुरु माना, क्योंकि गोपियों ने भी जो गोपी गीत गाया उसका कारण एक तो उनको स्वदोष का ज्ञान हुआ, और स्वभाव के चलते ठाकुर जी का गुणानुवाद गाना इन गोपियों का स्वभाव है। इन दो कारणों के वजह से आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि इन्होंने गोपी गीत गाया। तो एक सहज स्वभाव से कथा में प्रीति होनी चाहिए। प्रीति शौनक चित्ते यतो वाच्मी विचार्य सर्वसिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाशन।
जब सूत जी ने शौनक जी के अंदर प्रीति देखी भगवत कथा के लिए, तो सर्व सिद्धांतों के सार रूप जो संसार के त्रास से जो भय आता है उस नाश को दूर करने वाले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम, श्रीमद् भागवत का श्रवण करवाया। और तो और कहते हैं सूत जी कि मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ कि सुराणाम अपि दुर्लभम, देवताओं को भी जो दुर्लभ है, यानी ये भागवत क्या है प्रियजनों, देवताओं को भी दुर्लभ है। हम मनुष्य श्रेष्ठ हैं, हम मनुष्य के योनि ये दुर्लभ है क्योंकि हमें भागवत मिला है, ये भागवत के अधिकारी देवताएं भी नहीं है। और जैसा प्रसंग में आता है एकादा ही विशालायम चत्वार वशो मला, जब देवताएं भी अमृत कलश लेकर आए तो उनको वापस लौटना पड़ा। जब सूत जी का परीक्षित जी को कहा सुखदेव जी को कि हम स्वर्ग का जो अमृत लेकर आए हैं ये परीक्षित को पिलाइए और वो कथा अमृत हमें पिलाइए, तो परीक्षित जी ने पूछा कि ये स्वर्ग के अमृत से क्या लाभ और कथा अमृत से क्या लाभ, तो कि इससे जीवन तेरा दीर्घ बनेगा, इससे जीवन तेरा दिव्य बनेगा, बता जीवन तुझे दीर्घ चाहिए या दिव्य चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन लंबा होना चाहिए कि जीवन अच्छा होना चाहिए, जीवन दीर्घ होना चाहिए कि जीवन दिव्य होना चाहिए, आप बताइए, मैं आप लोगों से पूछता हूं, लंबा होना जीवन अच्छा है कि दिव्य होना अच्छा है, बताइए, दीर्घ लंबा अच्छा ना है, दिव्य होना चाहिए, कहना सरल है, दिव्य जीवन के लिए तप आवश्यक है। तप का मतलब घर से निकलकर वन में चले जाए वो तप नहीं है, तप का मतलब आंखों का तप क्या, कानों का तप क्या, जिह्वा का तप क्या, तप इंद्रियों के द्वारा होता है ना, तो क्या देखना और क्या नहीं देखना ये विवेक, ये आंखों का तप है, क्या सुनना और क्या नहीं सुनना ये विवेक, ये तप कानों का कहा जाता है, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना ये जिह्वा का विवेक, क्योंकि भूख के वजह से विषयों के वजह से तो पशु भी जहां तहां मुंह मारता रहता है, यानी जो ये विवेक हम में से निकल जाए, क्या देखना क्या सुनना क्या खाना ये सब विवेक ही जो हम छोड़ दें तो फिर हम में और पशु में भेद क्या रह गया, हमको और पशुओं में जो भेद है वो विवेक है, यानी क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, ये सब विवेक, इसको तप इंद्रियों का तप कहा जाता है। और जब इंद्रियों का तप होता है ना तो उससे जीवन दिव्य बनता है, जीवन लंबा नहीं जीवन बड़ा होना चाहिए, कितना जिए वो महत्व का नहीं है, कैसा जिए वो महत्व का है। हम मनुष्यों को कार्यों में नहीं सालों में नहीं कार्यों में जीना चाहिए, कितने साल के हुए ये महत्व का नहीं है, इतने साल के जितने भी वर्ष के हुए लेकिन कितने अच्छे कार्य किए, कितने सत्कर्म किए वो महत्व का है। परीक्षित जी के मुझे तो आप ये कथा अमृत का ही पान कराएं, देवताएं अमृत कुंभ लेकर वापस आकाश में अपने स्वर्गलोक चले गए, इसलिए कहा सुराणाम अपि दुर्लभम, यह श्रीमद् भागवती वार्ता देवताओं को भी दुर्लभ है। सूत जी कहते हैं कि ये जो कथा श्रवण के जो विधि विधान आदि है ये सनत कुमारों के द्वारा नारद जी को पता चला। सनत जी ने प्रश्न किया कि नारद और सनत कुमारों का मिलन कहां पे हुआ, समागम कहां पे हुआ। कथा का फिर विस्तार करते हुए सूत जी कहते हैं एकदा ही विशालायम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दुद्रशु तत्र नारदम। देखिए बड़ी विशेष बात यहाँ पे कही गई, एकदा एक दिन की बात है, विशालायम चत्वार ऋषयो मला, चत्वार यानी ये जो सनत कुमार जो हैं हरिद्वार से चलकर उत्तराखंड की यात्रा को जा रहे थे, किसके लिए, सत्संगार्थम,
यानी पता चलता है कि संत महापुरुष जो सनत कुमार जो निवृत्ति परायण संत कहे जाते हैं लेकिन सत्संग के लिए निरंतर प्रवृत्ति करते रहते हैं। सत्संगार्थम समायाता दुद्रशुम तत्र नारदम। सनत कुमार भी सत्संग के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, इसलिए हरिद्वार से चलकर उत्तराखंड की यात्रा में आए तो वहां पे उन्होंने क्या देखा, नारदम, नारद जी को उद्विग्नता से आते हुए देखा। उनको देखकर पूछते हैं, कथम ब्रह्मन्दे न मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनत्तव। कुतश्चिन्तातुरो भवान, आप इतने चिंतातुर क्यों दिखाई दे रहे हैं। सनत कुमार ने नारद जी से पूछा, बड़े त्वरित गति से एकदम तेज गति से आ रहे हैं। वो नारद जी तो सदा सहज शांत भगवद कीर्तन गाते गाते सहज रहते हैं, आनंद में रहते हैं, लेकिन उनके मुख पर चिंताओं की रेखा देखी तो सनत कुमारों ने पूछा, कुतश चिंतातुरो भवान, आपकी चिंता का कारण क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पधार रहे हैं। नारद जी कहते हैं, अहम तुम पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। अहम तुम पृथ्वी यातो, मैंने सारी पृथ्वी की यात्रा की। नारद जी कहते हैं, देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऊपर जो ये श्लोकों के अंतर्गत जिन तीर्थों की परिगणना की गई है वे सभी तीर्थ भारतवर्ष में ही है, जबकि नारद जी ने यह नहीं कहा कि मैं भारतवर्ष की यात्रा करके आया हूं, अभी तो यह कहा अहम तुम पृथ्वीम यातो। तो यहां पे पृथ्वी शब्द का प्रयोग नारद जी ने किया, जो हमें समझना चाहिए कि किस प्रयोग से, किस प्रयोजन से यह पृथ्वी शब्द का प्रयोग किया। तो समझिए, पुराणों में, साहित्यों में अनेक बार पृथ्वी को, पृथ्वी शब्द का प्रयोग भारतवर्ष के लिए किया गया है, कई जगह आप देखें, और भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी कभी कभी किसी शब्द का अर्थ विस्तार कर दिया जाता है तो कभी किसी शब्द का संकोचन कर दिया जाता है। ये भाषा विज्ञान की एक कायदा है, एक नियम है। तो यहां पृथ्वी शब्द से अर्थ संकोचित हुआ जानना चाहिए, इसलिए पृथ्वी शब्द का मतलब पूरा भूमंडल नहीं अर्थात भारतवर्ष मात्र है। और इसी आधार पर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने भी जो तीन बार भारत की प्रदक्षिणा करी वो इसी भाव के, पृथ्वी परिक्रमा कहा जाता है जो भारत की आपने प्रदक्षिणा करी है, लेकिन क्या कहते हैं आचार्य चंद ने, तीन बार पृथ्वी की परिक्रमा करी, यानी पृथ्वी की परिक्रमा से भारत की आपने तीन बार प्रदक्षिणा करी, यानी वो पृथ्वी शब्द का अर्थ संकोचन वहां पे हुआ। नारद जी कहते हैं, सब तीर्थों में मैंने तीर्थों की यात्रा करी, लेकिन सत्यम नास्ति तपः शोचम दयादानम न विद्यते उदरम भारिणो जीवा वशका कुट भाषिणः। हे ऋषि कुमारों, मैंने देखा कि सत्यम नास्ति, कहीं सत्य नहीं है, तप नहीं है, शोच नहीं है, दयादानम न विद्यते, और तो और लोग उदरम भारिणो जीवा, खुद के उदर को भरने के लिए इतने रत हो गए, इतने व्यस्त हो गए। मंदा स्वंदा मतयो मंद भाग्या हिपद्रता, ऐसी जीवों की स्थिति देखकर नारद जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, गुरु हैं प्रियजनों, जिन्होंने सुंदर भक्ति सूत्र लिखे हैं, और आचार्य गुरुजनों को तब हृदय में खेद होता है कि जब जीवों को विपरीत दिशा में विपरीत गति करते हुए जब देखते हैं। ये आचार्यों का, गुरुजनों का सहज स्वभाव होता है कि जब जीवों को आत्मघात की ओर ले जाते हैं जब जीव, तो ऐसे जीवों को देखकर गुरुजनों के हृदय में पीड़ा होती है। अब देखिए, महाप्रभु जी भी जब पृथ्वी परिक्रमा करते गोकुल में पधारे तो वहां पे आपको भी तो चिंता हुई सब जीवों की, कि ये जीव तो आसुरी लोगों के साथ मिलके आसुरी हो गया है, ठाकुर जी तो निर्दोष है, निर्गुण स्वरूप है, तो सदोष जीव का निर्दोष ब्रह्म के साथ संबंध कैसा हो। जो जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा तो वो ठाकुर जी के स्वरूप को कैसे जानेगा। एक समय चिंता जब आई देवी जीवन जानी न जाई। आप देखो, वहां पे भी महाप्रभु जी को चिंता, हृदय में दया आई,
चिंता करने लगे जीवों को। यानी ये आचार्यों का गुरुजनों का सहज स्वभाव होता है कि जब वो अपने शिष्यों को अपने जीवों को जब विपरीत गति करते हुए देखते हैं तो आपके हृदय में ताप होता है। और इसीलिए गुरुजन निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, यात्रा कार्यक्रम कुछ ना कुछ प्रवास वचनामृतों के कार्यक्रम के माध्यम से जीवों को भगवत सम्मुख करने के लिए, यह आचार्यों की सहज वृत्ति होती है। इसलिए तो श्री गोसाई जी भी कितनी बार आप गोकुल में ने विराजते ने फिर वहां से गुजरात पधारते, अलग अलग जगह पधारते। याद करिए आप वार्ता जी जो पढ़ते होंगे उन्हें ये प्रसंग ध्यान में होगा, जब गुजरात की ओर आप पधारने के लिए घर से निकले तो बिरबल के वहां पर आप रुके, और जब बिरबल के वहां पर आप रुके सायंकाल का समय तो आपके संग जो खवास सेवक थे तो उनसे बिरबल पूछने लगा, क्योंकि ये बिरबल उनकी बेटी ये सब गोसाई जी के सेवक हैं, ये मान सिंह ये जितने भी ये जो नव रत्न हैं ये अकबर के राज दरबार के, उसमें मान सिंह हो या तानसेन हो या ये बिरबल, ये सब श्री गोसाई जी के आपके शरणागत भक्त हैं। और तो और इतिहास में हम पढ़ते हैं कि अकबर स्वयं भी श्री गोसाई जी के पास कई बार न्यायाधीश की उपाधि श्री गोसाई जी को आपने दी। प्रसंग अद्भुत है। यानी उस समय जब गोसाई जी वहां पे पधारे तो बिरबल ने क्या पूछा आपके सेवक को कि गोसाई जी कहां श्रम लेकर इतनी यात्रा कर रहे हैं कि गुजरात के लिए पधार रहे हैं, तो पूछा कि क्यों कुछ आवश्यकता है क्या, कहीं कुछ की कोई कमी हो या कुछ धन अन्न आदि की, तो मैं वो सेवा कर देता हूं तो आपको श्रम ना पड़े। जहां ये बात श्री गोसाई जी ने सुनी, गोसाई जी को अच्छा नहीं लगा कि बिरबल हमारे मन की बात नहीं जाने, तुरंत उसका त्याग करके उसके घर को छोड़ के निकल गए। क्योंकि इन आचार्यों का गुरुजनों की यात्रा प्रवास ये कोई धन के लिए नहीं है, ये तो जीवों को सम्मुख करने के लिए। जो भाईला कोठारी जैसे कितने भक्त आपकी प्रतीक्षा करते हैं गुजरात में, कब गोसाई जी पधारे, कब आपके दर्शन हो, कब आपके वचनामृत मिले, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए आप बार बार ये गुरुजन यात्राएं करते रहते हैं, निरंतर यात्रा करते रहते, निरंतर वचनामृतों के माध्यम से सत्संग के माध्यम से जीवों को सन्मुख। ये गुरुजनों का सहज स्वभाव होता है। बाकी गोसाई जी के तू हमारे घर को का खर्चा पूरा करे, वो वल्लभ के गोसाई जी के घर का खर्चा को वो पूरा कर सकता है? इसलिए गुरुजन निरंतर प्रवृत्ति, नारद जी भी देखिए प्रवृत्ति करने के लिए ये सनत कुमारों के पास गए और क्या कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करते करते मैं जब वृंदावन में पहुंचा तो वृंदावनम मया दृष्टा तत्राश्चयम मया दृष्टम श्रूयता तन्मुनीश्वराः एकातु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसाः। वहां पे एक मैंने बड़ा आश्चर्य देखा, वृंदावन की तट पर एक तरुणी स्त्री को देखा लेकिन खिन्न मानसाः, बड़ा उसका मन खिन्न था, प्रसन्न चित्त वाली वह तरुण स्त्री नहीं थी। एकातु तरुणी तत्र निशन्ना खिन्न मानसा वृद्धो द्वौ पतितौ पार्श्वै निश्वसन्तो वचेतनो शुश्रुषन्ति प्रबोधन्ति रुदन्ति च तयोः पुरः। जहां पे नारद जी वहां पे यमुना जी के तट पे पहुंचे तो वो तरुण स्त्री ने पुकार लगाई, भो साधो क्षण तिष्ठम मत चिंतामपि नाशय, एक क्षण के लिए आप रुक जाइए मेरी चिंताओं को दूर करें। नारद जी रुके, उस स्त्री से मिले, पूछा कि देवी माता आप कौन है, आप अपना परिचय कराएं। तो वो कहने लगी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न झरझरौ। वह तरुणी स्त्री कहती है कि मेरा नाम है भक्ति और ये दोनों वयोवृद्ध और कोई नहीं अपितु दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। और तो और काल योगे न जर्जरो, काल के प्रभाव से कलयुग के प्रभाव से जर्जरित हो गए। मैं तो ये सोचती हूँ कि ये कलयुग को रहने ही क्यों दिया परीक्षित जी ने, न कलयुग को रहने का स्थान दिया होता न उसके प्रभाव से ये ज्ञान वैराग्य बूढ़े हुए होते। भक्ति कहने लगी, उत्पन्ना द्रविड़े देशे वृद्धि कर्नाटके गता कचित कचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में मुझे मान मिला, गुर्जर प्रदेश में आके मैं जीर्ण हो गई, लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी। जब मैं ब्रजभूमि वृंदावन में आई, यहाँ वृंदावन शब्द से समस्त 84 कोस वृंदावन समझ लीजिए,
बृहद वृंदावन के पांच भाग या पांच रूप माने गए हैं, जिसमें आदि वृंदावन यानी कामवन, स्वरूप वृंदावन यानी शीघ्र राज्य की तरेटी, लीला वृंदावन यानी वर्तमान वृंदावन, निज वृंदावन यानी नंदगांव और धाम वृंदावन यानी बरसाना। यानी ये बृहद वृंदावन के ये पांच भाग हैं, यानी संपूर्ण 84 कोस ये वृंदावन है। और भक्ति क्या कहती है कि जब मैं भी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन जब मैं ब्रज में वृंदावन में आई तो वृंदावन पुनः प्राप्त नवी नई स्वरूपिणी, वृंदावन में आने से मुझे नवीनता मिल गई, मैं सुरूपिणी बन गई, नूतन मेरे अंदर भाव जागृत हो गए, मैं तरुण बन गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र बूढ़े के बूढ़े रहे। अब आप ही बताइए नारद जी, जिन माता के आगे उनके दो पुत्र बूढ़े हो, अचेत अवस्था में हो, तो उस माता की क्या स्थिति होगी? तो आप ही बताएं कि इन दोनों को ज्ञान वैराग्य को मैं जागृत कैसे करूं। बड़ा सुंदर ये प्रसंग है प्रिय जन, महात्मा के अंतर्गत ये कथा हमें एक सहज सिद्धांत हमें बताती है कि जो भक्ति हमारे अंदर विराजमान है, हमारे नगर या ग्राम में रहते हुए जो भक्ति लौकिक कार्यों में हम निरंतर प्रवृत्तिशील रहते हैं, जिसके चलते हमारे अंदर जो भक्ति बुढ़ी हो जाती है, लेकिन जब हम ब्रज में वृंदावन में जाते हैं गुरुजनों के साथ, तो वृंदावनम पुनः प्राप्त नवी नई स्वरूपिणी। जब आचार्य गुरुजनों के साथ में जाते हैं तो ब्रज में जाने से हमारे अंदर रही हुई जो भक्ति बुढ़ी हो गई है, वह भक्ति पुनः तरुण हो जाती है। आजकल हमारी जो भक्ति है वो भी बुढ़ी है, वृद्धि ही तो है। एक उत्साह पूर्वक तत्परता के साथ कोई कार्य करना और एक करना पड़ेगा, एक वो भाव उसके साथ करना। आजकल हमारे अंदर रहा हुआ ज्ञान भी बूढ़ा है, वैराग्य भी बूढ़ा है। कई बार जानते हैं ये चीज करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, दोष नहीं देखने चाहिए, सत्संग करना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी क्रिया में लाते नहीं है, तो इसको बूढ़ाई ज्ञान तो कहेंगे। वैराग्य आदि भी सब बूढ़े हैं, क्योंकि वैराग्य आदि भी, व्रत उपवास आदि भी कुछ ना कुछ उसके पीछे कामना रही हुई है। ये व्रत करने से मुझे ये मिलेगा, ये व्रत करूंगा तो उससे मुझे इसकी प्राप्ति होगी। यानी आजकल के ज्ञान और वैराग्य ये बुढ़े कहे जाते हैं। जहां भक्ति की ये बात सुनी, नारद जी कहते हैं मैं वृंदावन भूमि के महात्म को जान गया आज कि यहां पे ये भक्ति नृत्य कर रही है, यहां भक्ति तरुण है। और तो नारद जी कहने लगे श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति, आप वृंदावन में भगवत नाम का उच्चारण करें जिससे ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए। यार ये कथा कि वृंदावन ब्रज भूमि में जाने से हमारी भक्ति तरुण बनती है। प्रसंगोपात प्रियजनों आपको अनुसंधान में करा दूं, इस वर्ष अधिक मास आ रहा है, अधिक श्रावण है, और अधिक श्रावण में अपने श्री पुरुषोत्तम धाम बैठक मंदिर के माध्यम से, सूरत से पुष्ट धाम के माध्यम से पूज्य श्री दादाजी की सर्वाध्यक्षता में, पूज्य श्री ज्येष्ठ भातृचरण की अध्यक्षता में सुंदर अधिक मास में वैष्णव को अधिक लाभ मिले, इस हेतु से सुंदर 9 दिवसीय व्रत 84 कोस वृंदावन की यात्रा का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। आप सबको यह आचार्य पीठ, यह मंच से मैं आमंत्रित करता हूं कि यह 9 दिवसीय यात्रा में हरि गुरु वैष्णव के साथ आप संग का आनंद लें। बाकी ब्रज चलो यहां से होके आए, गिराजी दंडोत कर आए, लेकिन प्रियजनों एक यात्रा में जुड़ना, संघ के साथ यात्रा, उसकी एक अलग महिमा है। गुरुजनों के साथ जब हम यात्रा करते हैं तो ब्रज का महात्म्य, सत्संग आदि की प्राप्ति होती है। बाकी तो हम अकेले अकेले गए तो कुछ ना कुछ साधन करके आ गए, लेकिन जब हम गुरुजनों के साथ में जाते हैं, सत्संग आदि जब होता है, जिससे श्री अमनाथ जी, श्री गिरिराज जी को भी सुख पहुंचता है, सुख मिलता है। इसलिए 18 जुलाई से ये सुंदर 9 दिवसीय यात्रा है। आप सभी वैष्णव सादर आमंत्रित हैं, पत्रिकाएं भी वहां पे सामने कार्यालय में उपलब्ध है। अवश्य अपने मुरैना ग्राम, यहाँ आसपास के जो वैष्णव हैं, जो ब्रज प्रेमी हैं, जो बल्लभ प्रेमी हैं, और खासकर अधिक पुरुषोत्तम मास, अवश्य मन बना के यथाशीघ्र अपना नामांकन कराकर यात्रा में जाना सुनिश्चित करें। यह आपकी यात्रा है या आपके घर की यात्रा है। क्यों करना है कि जो भक्ति हमारे यहाँ पे घर में रहते हुए बुढ़ी हो जाती है, ब्रज में जाके पुनः प्राप्यम, वहां ब्रज में वह भक्ति तरुण हो जाती है,
तो एक अच्छा यह अवसर है जिसका अवश्य लाभ सभी वैष्णवों को लेना चाहिए। नारद जी कहने लगे, भक्ति को मैं आपके दुख को जान गया, आप चिंता न करें, मैं अभी इनको जागृत करता हूं।
नामानी मोहर वदंती श्री कृष्ण को नाथे ते नामानि मोहर वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद। मुख में से बार बार भगवान के नामों का उच्चारण हो रहा है, और तो और उस मंडली में और कोई नहीं अपितु भक्ति सुतौ तौ तरुणम गृहीत्वा भक्ति महारानी उस कथा मंडप में प्रकट हो गई। अकेली नहीं आई, सुतौ तौ तरुणम गृहीत्वा दोनों अपने पुत्रों के साथ में उस कथा मंडप में प्रकट हो गई। और तो और वो दोनों पुत्र भी तरुण हो चुके थे, तरुणौ गृहीत्वा ज्ञान वैराग्य उसके साथ में है। भक्ति ने अपने श्रृंगों पर आभूषण धारण कर रखे हैं, केसर कुंडल हंसली आदि वस्तु पर धारित यह आभूषण लौकिक सोने के नहीं अपितु भागवत के गूढ़ अर्थ का द्योतक है। प्रिय जहां श्रोतागणों ने पूछा कथम प्रविष्टा कथार्थतो निष्पतितादि धूनयम्, भक्त कहने लगी मैं जो ये भागवत के श्लोकों का उच्चारण किया जा रहा है उन तात्पर्य अर्थों से मैं भक्ति का मेरा प्रागट्य हुआ। बोलिए भक्ति महारानी की जय। जहां भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ में प्रकट हुई कहने लगी
हे गुरुवर मुझे ये बताइए कि मेरे बैठने के लिए कोई आसन, मैं कहाँ बैठ के कथा का सुनूं, कथा का श्रवण करूं। यह कहती हुई जहाँ भक्ति महारानी नीचे बैठने गई वहीं पे सनत कुमारों ने कहा, अरे हे माता, हे देवी, आपके लिए तो बड़ा ही एक सुंदर स्थान मैंने सोच के रखा हुआ है। आपके के बिना तो कथा में आनंद कैसा, आपसे ही तो कथा में आनंद है, और आपके लिए एक बड़ा सुंदर स्थान है कि ये कथा पांडाल में जितने भी वैष्णव आए हैं उन वैष्णव के हृदय में जाके आप विराज जाइए। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, क्योंकि आप भक्त को गोविंद के स्वरूप प्रदान करने वाली है। प्रेमैक धत्री भव रोग हंत्री, आप प्रेम का पोषण करने वाली तथा भव रोग का शमन करने वाली। सात्वम च तिष्ठस्तु सुधेरि संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। केवल अभी कथा हो रही है इतने समय आप उनके अंदर बैठे, ऐसा नहीं, वैष्णव के अंतस में आप निरंतर विराजमान रहिए। हे भक्ति महारानी, मैं आपसे ये विनती करता हूं, उन भक्ति महाराणा के साथ सकल तीर्थ अपने आदि देवी के स्वरूप के साथ स्वयं को पावन करने के लिए वहां पे। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजे, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च। तत्र यत्र च दोदार कथा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हृदय में जाके विराजे, जहां भक्तों के हृदय में भक्ति ने प्रवेश किया, और ये जब स्थिति भगवान ने देखी कि भक्ति का आसन बिछ चुका है भक्तों के हृदय में, तो क्या हुआ फिर? अतः वैष्णव चित्तेषु दृष्टा भक्ति मलौकिकम् निजलोक परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। जहां भगवान ने देखा कि भक्तों के हृदय में भक्ति का आसन बिछ चुका है, निज लोक परित्यज्य, भगवान ने अपना लोक त्याग कर, भगवान भक्तवत्सल, भगवान भी उस हृदय में जाकर विराज गए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और ऐसी स्थिति को देखते हुए सनत कुमार कहते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदये शाम श्री हरिर् भक्ति रेखा हरिरपि निजलोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति रति तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्य में यानी सारे ब्रह्मांड में निर्धनास्ते धन्या, लौकिक दृष्टि से निर्धन होते हुए भी वे व्यक्ति धन्य है, सच्चे धनवान है। कौन? निवसति रति येषां श्री हरिर् भक्ति रेखा, जिनके हृदय में श्री हरि की एक निष्ठ भक्ति विराजमान है। हरिरपि निज लोकान सर्वथा तो विहाय, हरि पापान हरत इति हरि ही, जो सबके पापों का हरण करे वह हरि, ऐसे हरि भी निज लोकान यानी अपने धाम को सब प्रकार से छोड़ के भक्त के हृदय को ही अपना निज धाम बना लेते हैं। तथा भक्ति सूत्रोपनद्धः, उस भक्त के भक्ति सूत्र से ऐसे बंध जाते हैं कि उस भक्त का एक क्षण के लिए भी परित्याग नहीं करते। तो ऐसे व्यक्ति इस संसार में भले लौकिक दृष्टि से निर्धन दिखाई देते हो, लेकिन वास्तव में उनसे धन्य इस जगत में कोई नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्ति की प्रसन्नता को देखकर नारद जी बड़े आनंदित हुए कि जो वचन भक्ति को दिया था कि आपके दुखों की निवृत्ति मैं करूंगा वह कार्य सिद्ध हुआ, आपको संतोष हुआ। तत्पश्चात नारद जी ने पूछा के विशुद्ध यन्ति वदस्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपानुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। के विशुद्ध यन्ति, ये कथा श्रीमद्भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली है, प्रवृत्त करने वाली है। इस कथा के माध्यम से भक्ति प्रवृत्त होती है, ज्ञान भी बढ़ता है, वैराग्य भी बढ़ता है। लेकिन नारद जी ने पूछा कि इस कथा के माध्यम से और कौन कौन जीव विशुद्ध होते हैं, किन किन जीवों के लिए सप्ताह यज्ञ न कथा मये न, ये कथा और कौन कौन जीवों के लिए लाभदायी है। सनत कुमार कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधा विदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते कायेन वाचा मनसापि पातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति षट्हटेन ये परस्वपृष्टा मलिनद्दुराशरा सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सर्वदा पाप कर्म में लगा हुआ है, जो कुटिल है, कामी है, क्रोधी है, ये कथा सभी लोगों के लिए है। परमहंसों के लिए तो ये इससे श्रेष्ठ और कोई विषय नहीं है, लेकिन साधारण जो भाव संसार में फंसे हुए हम सब जन साधन कक्षा के जीवों के लिए भी प्रियजनों यह श्रीमद् भागवत परम उपकारी और फलकारी है। जो निरंतर दुराचरण में हम लगे हुए रहते हैं, कुटिल भावना युक्त रहते हैं, क्रोध आ जाता है, काम, ऐसे जीव भी जो बड़े शांत चित्त से श्रीमद् भागवत का श्रवण करे तो उसके समस्त पाप खंडित हो जाते हैं, उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है। ऐसी ये कथा है, अपने आप को परिवर्तन, मन को परिवर्तन करने वाला, विचारों को परिवर्तन करने वाला। घर को तो कई बार परिवर्तन करते हैं, रंग चढ़ाते हैं उसमें, नया मकान, पुराना मकान हो तो नया घर बना दिया, फिर साल दो दो साल में ऊपर वापस कलर पुताई वगैरह भी करते हैं। ये सब तो ठीक है, पुनः निर्माण, लेकिन विचारों का भी तो नवीनीकरण होना चाहिए, भावनाओं का नवीनीकरण होना चाहिए, विचारों का नवीनीकरण होना चाहिए।
एक एक पुराने विचारों से जो चले आएंगे तो जीव आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। पुरानी धारणाओं से, पुरानी भावनाओं से, पुराने दुराग्रहों से, पूर्वाग्रहों से जो हम रहेंगे, जो पुनः विचार नहीं करेंगे, पुनः विचारों का निर्माण नहीं करेंगे, तो जीव आगे कैसे बढ़ेगा। यानी ये हमारे विचारों को परिवर्तन करने वाली, दिशा देने वाली, इसलिए तो भा यानी प्रकाश, ग यानी जो गति प्रदान प्रदान करे, वर यानी वरदान, त यानी तारे, जो ज्ञान प्रदान करे, जो गति प्रदान करे, जो भवसागर से तारे, ये मनुष्यों हम सब के लिए ये भागवत श्रेष्ठ वर रूप में है, वरदान के रूप में है। यानी कैसा ही जीव क्यों ना हो, भागवत का आश्रय ले तो उसके दुर्विचार बुद्धि आदि से वो निवृत्त हो जाता है। और जिसका निरूपण यहाँ पे आत्मदेव की कथा से किया गया, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता, उसकी पत्नी का नाम धुंधुली, जिससे उसका जो पुत्र कहलाया वो धुंधुकारी, और गाय के कानों के जैसे जिसके कान थे, गाय के द्वारा जिससे प्राप्ति हुई पुत्र की, वह गौकर्ण जी महाराज। अपने दुराक्रांतों के चलते ये धुंधुकारी की अपमृत्यु हुई, वरांगनाओं के द्वारा इसकी मृत्यु हुई। जिन विषयों को भोगने के लिए उसने अपने घर में वैश्याओं को रखा था, उन्हीं भोग के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। यानी मनुष्य भोग को नहीं भोगता, भोग मनुष्य को भोग लेते हैं। सीधा सिद्धांत इस कथा का, हम मनुष्य भोगों को नहीं भोगते, विषय हमको भोग लेता है। कौन किसको भोगता है? किसी को दुर्व्यसन है, किसी को तमाकू का व्यसन है, किसी को बीड़ी का व्यसन है, सिगरेट का व्यसन है। कौन किसको भोग रहा है? वो व्यक्ति तमाकू को भोग रहा है कि तमाकू उस व्यक्ति को भोग रही है? और जिसके अंदर अच्छा सुंदर ये प्राणवायु हवा भरनी चाहिए, उसके अंदर धुआं भरता है, अब उसको बुद्धिमान कहेंगे या मूर्ख कहेंगे? और वो 2 इंच की छोटी सी बीड़ी के लिए ये 2 मन के आदमी को खड़ा करके कथा में से बाहर ले जाती है, और फूंक मार के फिर वापिस वो कथा में आकर बैठता है। कौन किसको भोग रहा है? किसके हम अधीन हो गए? कितने वस्तुओं के अधीन हो गए हैं, व्यक्तियों के अधीन हो गए हैं? इसके बिना तो चले ही नहीं, इसके बिना तो चले ही नहीं। इसको तो पराधीनता कही जाती है, और पराधीने स्वप्ने हूं सुख नाही। कोई भी वस्तु को या व्यक्ति को अपने ऊपर हावी ना होने दो तो उसके बिना चले ही नहीं, ये धारणा ये गलत बात है। क्योंकि विषय हमको भोग लेता है। और ये धुंधुकारी की मृत्यु हुई, वायु रूप में भटकने लगा, और फिर जैसा कि कथा में आता है, गौकर्ण जी ने कथा का प्रारंभ किया, बांस में आकर बैठा। पहले दिन की कथा पूरी हुई तो बांस की गांठ फटी। यानी कितना दुराचारी था, पापी था, लेकिन भगवत कथा का एकाग्रता से चिंतन किया तो उसकी बांस की गांठ यानी वासना की गांठ। वास्तव में तो हमारे मन की वासनाओं के, बाकी बांबू ला के भी तुम यहाँ पे रख दो, कई बार कथाओं में ये सब बहुत करते हैं, अरे धंधुकारी वो हमारे अंदर ही है, उसमें कौन धंधुकारी आएगा, वो हमारी अंदर ही बैठा है। धंधुकारी का यहाँ पे परिचय भी दिया गया है, शव हस्ते ना भोजनम, शव के हाथ का स्पर्श किया हुआ खाने वाला। शव के हाथ का स्पर्श मतलब जिस दिन हमारे हाथ से सेवा नहीं हो उस दिन का हमने जो भोजन किया वो शव हस्ते ना भोजनम कहा जाता है। यानी वो धुंधुकारी भी हमारे अंदर है। वास्तव में कथा के माध्यम से मन की वासनाओं से निवृत्ति होनी चाहिए। 7 दिन में 7 गांठ फटी, जो 7 वासनाओं का प्रतीक स्वरूप है। और फिर दिव्य पूर्णाहुति के दिन एक दिव्य विमान आया, धुंधुकारी को ले गए। गौकर्ण जी ने कहा, कथा तो सबने सुनी, तो केवल इन्हीं को क्यों ले जा रहे हो? क्योंकि तो जैसी एकाग्रता इनको थी सब में नहीं थी, कथा के लिए एकाग्रता आवश्यक है। और फिर वापिस दूसरी बार कथा का प्रारंभ किया गौकर्ण जी ने। जितने भी श्रोता थे सब लोगों ने बड़े ध्यान सावधानी से कथा का श्रवण किया, और तत्पश्चात गौकर्ण जी महाराज सभी श्रोता जनों के साथ भगवत धाम में पधारे, सबका उद्धार हुआ। इस कथा से यह निरूपित किया गया प्रियजनों, मूल बात
हमारे दुराचरणों को दुर्विचारों को परिवर्तन करने वाली यह श्रीमद् भागवत है। सातवें दिन वापिस सब श्रोताओं को लेने के लिए दिव्य विमान आया। भागवत में ये सब विमान आते हैं, ऐसा वर्णन आता है। हम भी श्रीमद् भागवत को केंद्र में पधरा कर कथा श्रवण आदि करते हैं, लेकिन कभी विमान आते हुए देखा नहीं है ना। कभी देखा विमान आया लेने के लिए? सुना है कथाओं में, लेकिन देखा नहीं है, है ना। ये देखा है, और शायद गलती से यहां पे ये रोड पे आ भी जाए तो बैठने वाले कितने, उसमें तैयारी भी तो होनी चाहिए। कहीं गलती से भूल से आ भी जाए, अरे अभी तो मेरे ये बाकी है, अभी तो ये करना है, अरे अभी हमको नहीं जाना है। बैठने की तैयारी भी, पात्रता भी तो होनी चाहिए प्रिय जन। धंधुकारी आत्मदेव के प्रसंग से कितना ही पापी दुराचरणी क्यों ना हो, मन को शुद्ध करने वाली यह श्रीमद् भागवत कथा है। तत्पश्चात प्रियजनों अंत में छठी अध्याय में इसकी विधि विधानों का, श्रवण विधि का प्रकार बताया गया, किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए, पूजन का प्रकार का है, कहाँ पे कथा का श्रवण करना चाहिए, तीर्थे वापी बने वापी वैष्णव वक्ता कैसा होना चाहिए कि विरक्त दृष्टान्त कुशल वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, ये सब वक्ताओं के लक्षण का यहाँ पे निरूपण किया गया है। और इसी के साथ यहाँ पे ये छठा अध्याय यानी महात्म का पूर्ण होता है। प्रियजनों, छह अध्याय महात्म के, भागवत सुनने से उसका सुनने का महात्म क्या है जो पद्म पुराण में बताया गया है, ये छह अध्यायों का हमने संक्षिप्त में श्रवण किया। क्योंकि महात्म जानने से ही प्रवृत्ति होती है, कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो उसके साथ व्यवहार कैसा करना, उसके उसका विनियोग कैसा होना चाहिए, जब तक उसके प्रति ज्ञान न हो तब तक उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार विनियोग किया जाए इसका ज्ञान नहीं होता है। तो भागवत का मुख्य विषय क्या है, भागवत का महात्म्य क्या है, इन छह अध्यायों में बताया गया जो हमने संक्षिप्त में श्रवण किया। इसी के साथ यहाँ पे महात्म्य को पूर्ण करते हुए भागवत के प्रथम स्कंद में प्रियजनों हम कल प्रवेश करेंगे। कल श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के दर्शन करेंगे। आज प्रथम दिन की जहाँ यात्रा हम पूर्ण करने जा रहे हैं, उसके पूर्व जिनके मंगल सानिध्य में हम सब बैठे हैं, कथा का आनंद हम सब ले रहे हैं, ऐसे पूज्य ज्येष्ठ भातृचरण श्री हरिराय जी महोदय श्री श्री हरि दादा को आपको चरणारविंद में मैं अवश्य विनती करूँगा कि आप कृपा करके आपके मंगल वचनामृतों के माध्यम से हम सबके भावों का पोषण करें। ये आपके श्री चरणों में विनती करते हुए आप श्री के वचनामृतों का हम श्रवण करेंगे। तदपश्चात ठाकुर जी के सुंदर जो मनोरथ हैं उस मनोरथ का भी शांति से हम दर्शनों का लाभ लेंगे और फिर हम अपने स्थान पर हम पहुंचेंगे। तो जो भी रूपरेखा बताई गई शांति से पूरा पूरा आप आनंद लें, इसी भावना के साथ पूज्य ज्येष्ठ भातृचरण को विनती करते हुए मैं यहीं पे आज के मेरे विषय को विराम देता हूँ। बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गो और तिनका भी हीरा बन जाए जिन्हें प्रभु हरिराय जी महोदय श्री का सहारा है। बोलो वल्लभाधीश की। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। ये थोड़ा घुमा। श्री गिरिराज धरण की जय।
श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यत। श्रीमदाचार्य चरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्त दोष दहनं मस्तके राजतां मम। शिरश्च पादां भुजसत् प्रणाम योग्यं ददौ यो यदुवंशचंद्र। स्तुत्या च नत्या विनयेन हीनो गोपाल लालं शरणं प्रपद्ये। गोपाल लालं शरणं प्रपद्ये। श्री वाक्पतये नमः। श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री तात चरण चरण कमलेभ्यो नमः। भक्तवत्सल करुणानिधि महोदार श्री गोपाल प्रभु के सुकोमल युगल चरणारविंद में आओ कोटान कोटि दंडवत प्रणाम करें। एवं जगद्गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य वंशावतंश आचार्य रत्न ऐसे हमारे तात चरण श्रीमद् श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज के सुकोमल युगल चरणारविंद में आओ कोटान कोटि दंडवत प्रणाम करें। आचार्य पीठ पर विराजमान चिरायुष्मान लघु भ्राता श्री गोवर्धनेश जी महोदय एवं अत्रैव विराजमान सर्वे आदरणीय भूदेवगण, भगवत सत्संग श्रीमद् भागवत कथा के जो निमित्त कारण बने हैं ऐसे समस्त मनोरथी परिवार, श्री पुरुषोत्तम धाम बैठक मंदिर के सभी कर्मनिष्ठ सेवा परायण कार्यकर्ता गण,
हमारे परम आत्मीय स्नेही ऐसे श्री गोकुलचंद जी एवं आप सब अत्यंत भावुक भगवद सत्संग परायण सत्संग प्रेमी आत्मीय स्नेही वल्लभीय वैष्णवजन, अत्यंत आनंद का अवसर। तुम जो मनावत सोही दिन नीको, छोटो सो बालक अपने घर में होए, प्रत्येक माता पिता और परिवार जन वो छोटे से बालक सु प्रेम करें, वाकू खिलावें, वाकू ध्यान रखें और प्रतिवर्ष धीरे धीरे वो बालक जब बड़ो होए तो जा दिन वो बालक को जन्म भयो यथा संभव आनंद और उत्साह के साथ वो बालक को जन्मदिन मनावे। लौकिक में जैसे हम करे हैं, करते आए हैं, एक साधारण बालक के लिए भी जो इतनी रुचि प्रेम लगाव और उमंग होए, तो विचार करो प्रियजनों, ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम यशोदा नंदन साक्षात गोपाल प्रभु को पाठोत्सव है। कितनो उत्साह हमारे अंदर होनो चाहिए, कितनो प्रेम हमारे अंदर होनो चाहिए, कितनो भाव हमारे भीतर प्रकट होनो चाहिए। देखते ही देखते एक वर्ष बीत गयो, जा दिन श्री गोपाल प्रभु पधारे, जा दिन पूज्य दादाजी के श्रीहस्त सु श्री गोपाल प्रभु की भाव प्रतिष्ठा भई, वैष्णव इनको जा दिन सु भगवत दर्शन और सानिध्य को सुख प्राप्त हो भयो, वो दिन प्रियजनों आवे वालो है, पाटोत्सव आवे वालो है। और वही पाटोत्सव के निमित्त, वही पाटोत्सव के उपलक्ष में ये गोपाल कृपा महोत्सव एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, अपितु सात दिन पर्यंत तक श्री गोपाल प्रभु की ही लीला को चिंतन हमको करवे को है। जिनके आप दर्शन करो हो वो गोपाल प्रभु कौन कौन सी लीलाएं करे हैं, उनको प्रागट्य कहां भयो, उनको प्रागट्य कैसे भयो, कैसे समय में भयो और प्रकट होकर आपने कौन कौन सी लीलाएं करी, वही सब लीलाएं को चिंतन प्रियजनों। हमको ये सात दिन पर्यंत श्रीमद् भागवत अंतर्गत आचार्य पीठ पर विराजमान श्री गोवर्धनेश जी के मुखारविंद सु सुन्नो हैं। बड़ी भाग्य की बात है प्रियजनों, आज याको प्रारंभ भयो, प्रथम दिवस। गत दिन हमने बड़ी सुंदर पोथी यात्रा को लाभ लियो और आज भागवत कथा अंतर्गत श्री भागवत के जो महात्म हैं वो महात्म के दर्शन हमने किए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा के दर्शन किए,
कि ये भागवत हमारे भीतर रही भक्ति को तरुणी बनावे है। ध्यान दो, हम सब भक्तिवान हैं, हमारे सबन के भीतर भक्ति है। क्यों है? क्योंकि हम वैष्णव हैं, वैष्णव कुल में हमारो जन्म है, हम श्री महाप्रभु जी के सेवक हैं। परिणाम स्वरूप हम सब भक्तिवान हैं। एक वस्तु याद रखो प्रियजनों, धनवान होवे कि न होवे बाकी चिंता नहीं करनी, लेकिन भक्तिवान है कि नहीं, ये सतत ये बात को चिंतन करते रहनो। श्रीमद् भागवत हमारी भक्ति को तरुणी बनावे है, हमारी भक्ति कहीं वृद्ध तो नहीं हो गई, हमारी भक्ति कहीं शिथिल तो नहीं हो गई, हमारी भक्ति कहीं ये कलयुग के प्रभाव से नष्ट तो नहीं हो गई। ये तीनों बात को चिंतन प्रत्येक वैष्णव इनको नित्य करनो आवश्यक है। और ये पतो कैसे चले, हमारी भक्ति शिथिल हो गई है, नष्ट हो गई है, या को एहसास या को ज्ञान हमको कैसे होएगो? दो ही प्रकार हैं, एक आत्मचिंतन और एक गुरु कृपा। हमारी भक्ति नष्ट नहीं हो गई, शिथिल नहीं हो गई, या कुछ जानवे के दो ही मार्ग हैं। एक जो आप पे गुरु की कृपा हो जाए तो आप जान पाओगे, गुरु आपको एक उत्तम सर्वोत्तम मार्ग बताएगो या आपको दर्पण बताएगो। और दूसरो आत्मचिंतन, मनोमंथन करें। कई बार विचार आवे और कई बार कहवे को भी मन होवे कि तीन प्रकार के जीव हैं। ध्यान दो, अब कौन से प्रकार के हम जीव हैं ये हमको ही चिंतन करवे को है। एक है उत्तम जीव, उत्तम वैष्णव, दूसरो है मध्यम और तीसरो है कनिष्ठ। अब ये तीनों की व्याख्या कि कनिष्ठ कौन है, मध्यम कौन है और उत्तम कौन है, ये आत्मचिंतन से पता चलेगी। गुरु आज्ञा करें, ग्रंथ आज्ञा करें, शास्त्र कहें, भगवदियों की वाणी सुने, बार बार आपको आज्ञा करवे में आवे, सेवा करो, सत्संग करो, मंदिर में आओ, हाथ पवित्र करो, ये आपको धर्म है, और फिर भी नहीं करे, वो कनिष्ठ जीव है। आपको ही अपनो स्वरूप नक्की करवे को है, आप कौन से स्वरूप में हो, आप कौन सी अवस्था में हो, आप कौन सी कक्षा में हो, ये आप खुद चिंतन करो। आज्ञा करें और फिर भी आज्ञा को पालन न करें, वो जीव कैसो है, बोलो, बताओ तो, कहो, कनिष्ठ जीव है। आपको बार बार कहो जाए कि भई अपनो बैठक मंदिर है, यहाँ आनो आवश्यक है, यहाँ हम ठाकुर जी के लिए नहीं आ रहे, यहाँ हम गुरु के लिए भी नहीं आ रहे,
यहाँ हम आ रहे हैं, हमारे लिए आ रहे हैं। कोई यूं विचार करे कि मैं आऊं वो ठाकुर जी को खुशी मिले के ताचन को आनंद होवे, नहीं। यहां जो भी जीव आ रहे हो है वो अपने लिए आ रहे हो। आप आओगे तो आपको हित होएगो, आपको कल्याण होएगो, आपको लाभ होएगो। यहां कभी भी ये सोच के मत आओ। बार बार आपको आज्ञा, सेवा कर्तव्य है, और जब जब सेवा की आज्ञा मिले, जैसे अभी आज ही कथा में हमने श्रवण कियो, हाथ है, हाथ तो सबन के पास है, इंद्रियां तो सबन के पास है, लेकिन वो हाथ में जो भाग्यशाली है, वाकई हाथ में सोनी है, वाकई हाथ में सुई और धागो है। लावने में माला करूं ठाकुर जी की, लावने में मंदिर में सोहनी कर दूं, यहां इतनी सारी रज दिख रही है, लावने में सोहनी करूं, घर में तो बहुत सोहनी करें। कभी ये विचार करो कि यहां मैं सोहनी करूं, क्योंकि ये तो नंदाल है, ठाकुर जी के खेलवे को स्थान है, और ये स्थान तो कितनो सुंदर होना चाहिए। लाओ मैं मंदिर वस्त्र कर दूं। आज्ञा करें और आज्ञा को उल्लंघन करें, आज्ञा को पालन नहीं करें, वो कनिष्ठ है। पलना आज्ञा टरे, 252 और 84 भगवदीयन की वार्ता है, इनमें सु हमको कहा उदाहरण प्राप्त हुए हैं, क्या दर्शन, क्या हमने सीखियो, सेवा की तत्परता, सन्मुखता की तत्परता। जल्दी जल्दी गृह कार्य करके जल्दी जल्दी गोपीजन क्या करती थी। दिनकर दास सेठ की वार्ता में हमने कहा सीखियो, ठाकुर जी के लिए सामग्री सिद्ध कर रहे हैं, और वहीं से कोई श्याचार महाप्रभु जी को सेवक निकले और पूछी दिनकर दास जी ने कि कहां समय है। वो वैष्णव ने कहा कही कि बस श्याचार जी ने अभी अभी पोथी खोली और कथा को प्रारंभ करें, और जहां ये सुनी कि कथा को प्रारंभ हो रहा है, दिनकर दास जी ने तुरंत काची बाटी सिद्ध करी, धराई, खुद ने ग्रहण करी, और दौड़ते 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 श्री महाप्रभु जी के पास आए, दंडवत करी, बैठे। श्री महाप्रभु जी ने कही कि इतनी उतावली से क्यों आयो, कि जेराज कथा छूट नहीं जाए, मंगलाचरण छूट नहीं जाए। और जब उनकी कथा के प्रति ऐसी रुचि देखी, ऐसी तत्परता देखी, तब श्री आचार्य जी के मुख से ये शब्द प्रकट हुए कि अब जब तुम आओगे तब हम कथा कहेंगे। साधारण जीव तो यही विचार करे, अरे हमने सुनी तो अति, अभी तो कथा वही अति, अभी तो सुनी है, और अभी अभी तो मंगलाचरण आएगा, धून आएगी, बाद में जाएंगे। और तत्पर जीव जो होवे वो तो समय से पहले आके अपनो स्थान ग्रहण कर लेवे। ये कोई साधारण वस्तु नहीं है प्रियजनों, ये कोई साधारण कथा भी नहीं है, ये कोई साधारण उपदेश भी नहीं है, ये तो वही कथा है कि जिनके लिए देवताएं भी कतार में खड़े हैं। श्रीमद् भागवत महात्म में प्रसंग भी आवे कि ये भागवत कथा सुनवे के लिए स्वयं स्वर्ग लोक के देवताएं भी कतार में खड़े हैं। परीक्षित राजा से कह रहे हैं कि भाई ये तू अमृत ले ले, और याके बदले में हमको ये कथामृत दे दे। ऐसी दुर्लभ कथा प्रियजनों आपको मिल रही है। तो एक तो है कनिष्ठ जीव, जाके भीतर तत्परता नहीं है, जाके भीतर व्याकुलता नहीं है, जाके भीतर कथा के प्रति रुचि नहीं है, सेवा के प्रति रुचि नहीं है, वो जीव है कनिष्ठ, जो केवल मोढ़ो दिखावे आए जाए, औपचारिकता,
थोड़ी देर बैठ के मोड़ो दिखा के चलो जाए और फिर पाछो पूरी हो तब आ जाए। हाँ मैं तो यही है तो कनिष्ठ जी। दूसरो जीव है मध्यम, गुरु आज्ञा करें और वो आज्ञा को पालन करे वो मध्यम जीव। ध्यान दो, बार बार आप सु कहवे में आवे, आप सुनो और आपके मन में होवे कि हाँ ठीक है, इतनी इतनी बार कर रहे हैं, सेवा को कह रहे हैं, सत्संग को कह रहे हैं और जानो ही चाहिए, करनो ही चाहिए और आप करो, वो मध्यम अवस्था है, वो मध्यम जीव है, वो मध्यम वैष्णव है। और तीसरी अवस्था है सर्वोत्तम उत्तम अवस्था कि जीव समर्पित होवे, ब्रह्म संबंध लेवे, श्री महाप्रभु जी को सेवक होवे और वाकू इतनी लगन इतनी तत्परता वाके अंदर प्रकट हो जाए कि वाकू कछु कहवे की आवश्यकता ही नहीं रहे, वाकू कछु कहनो ही नहीं पड़े कि तू भाई सेवा में आ, तू कथा में आ, तू सत्संग में आ, तू ये ब्रज यात्रा में जुड़ जा, तू ये लाभ ले ले, तू या में मनोरथी बन जा। जेराज ये तो मेरो कर्तव्य है, ये तो मेरो धर्म है, मुकु आप आज्ञा करो और मैं करूं, वो तो बड़ी साधारण जीव भाई स्थिति भाई, ये तो मेरो कर्तव्य है। मैं सामने से आपको विनती कर रहे हूं कि मेरी ये सेवा को अंगीकार करो, ये उत्तम अवस्था है प्रियजन। और ऐसी ही उत्तम अवस्था हमारी कब निर्माण होगी, कब तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे, कब तक हमारे अंदर वो शिथिलता और वो शीतल भाव रहेगा, कब तक हम तेरी मेरी मेरी तेरी करते रहेंगे, कब तक हम एक दूसरे के दोष के ही दर्शन करते रहेंगे। इन सब लौकिक अवस्थाओं में से जो उठ के आवे ना वही उत्तम वैष्णव है। इन सब लौकिक व्याधियों में से, इन सब लौकिक संबंधों में से जो उठ के आवे निकल के आवे, जैसे कमल को जो पुष्प है वाकई हम जब दर्शन करें तो साथ साथ हमको कीचड़ भी दिखे है, दिखे कि नहीं दिखे, लेकिन कमल को स्वभाव है वो कीचड़ को स्पर्श नहीं करे। ऐसे ही प्रियजनों आप सब वैष्णव हो और आपको भी ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए कि ये भौतिक लौकिक दुस्संग को आप स्पर्श मत करो, इनसे ऊपर उठ के रहो। ये तेरी मेरी मेरी तेरी मेरी इन सबन में से जो ऊपर उठ के आवे वही ये कमल की भांति वैष्णव बने हैं। लौकिक व्यवहार, लौकिक तेरो मेरो संबंध घर तक सीमित रखें। ध्यान दो, जब आप सेवा में हो, जब आप सन्मुख हो, जब आप मंदिर में हो तो आप लौकिक संबंध सुन नहीं हो। जब भी आप सेवा में आओ, मंदिर परिसर में आ जाओ, तब वो लौकिक गांव को कि भाई ये मेरो चाचा है, मेरो सगो है, मेरो बेटा है कि बेटी है कि कोई दूसरो है, फलाणो है, ढिकणो है, इन सबन से परे हो के एक वैष्णव को संबंध जब मन में लेके आवे तब ये दोष दृष्टि से हम बच सके। तो प्रियजनों ये 7 दिन हम सबन को जो प्राप्त भय हैं ये शुद्धिकरण के 7 दिन हैं। और ये 7 दिन में केवल देह की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि भी आवश्यक है। आपको देह तो पवित्र होएगो ही होएगो, आपकी इंद्रियां पवित्र होएगी होएगी,
लेकिन साथ साथ आपको मन भी आपके विचार भी पवित्र हों, दिव्य बने, याको प्रयास आप सबन को ये 7 दिन पर्यंत करवे को है। ये एक अवसर है, मुको बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ ये जितने भी ये परिवार के वैष्णव बैठे माला लेके बैठे हैं और बैठे बैठे माला जप रहे हैं, भगवत नाम ले रहे हैं। बड़ी सुंदर बात है। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये कथा में है। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये केवल मनोरथ ही है, इतनो ही नहीं, ये वैष्णव हैं। और जब हमारो मन, हमारी इंद्रियां ये भगवत उच्चारण, भगवत नाम में होए, तो हम जितने भी विकार हैं, जितनी भी औसत शक्तियां हैं, वो सब से हम परे हो जाएं, हमारो मन ठाकुर जी में लग जाए। तो बस आज प्रथम दिन विशेष कछु कहते हुए को समय नहीं है। बड़ी सुंदर महात्मा के दर्शन हमने किए। कल से प्रथम स्कंद अधिकार लीला को प्रारंभ होएगो, हम सब वाके दर्शन करेंगे और पुनः 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 अधिक से अधिक वैष्णव या भागवत सत्संग को लाभ लें। अकेले नहीं आवें, खास आग्रह रखें, जैसे हमारे भक्त कवि कहे हैं कि तुझ संगे कोई वैष्णव थाए तो तू वैष्णव साचो, तारा संगनो रंग न लागे त्यां सुधी तू काचो। तो एक नियम आज लेवे कि घर से हम जब भी निकलें और मार्ग में जो भी वैष्णव इनके घर आवे, सबन को पकड़ पकड़ के लेके आवे, सबन को एक बार संकेत करें कि भाई कथा को समय हो गयो है, कथा को समय हो गयो है। जैसे वार्ता प्रसंग में आवे भैया गोकुल कब चलेगो, ऐसे ही हम भी कहें कि भैया कथा में कब चलेगो। तो बस यही बात को चिंतन करते करते अधिक से अधिक संख्या में या भागवत भगीरथी कथा को हम सब लाभ लें, मनोरथी परिवार को बड़ो ही सुंदर ये दिव्य मनोरथ है, तो उनके मनोरथ स्वरूप अधिक से अधिक हम ये भागवत कथा में जुड़ें। ये हमारे जीवन को सबसे अधिक और सर्वोत्तम भंडारो है। जैसे वो अंतिम दिन वो भंडारो होवे तो हमें तो कोई केनो ही नहीं पड़े, वो भंडारो ऐसो होवे कि हमें तो कहां कहां सु प्रकट हो जाएं, कहां कहां सु पुगते लगे पाताल लोक से भी आ जाते होंगे जी, कहां कहां सु गुप्त गुप्त जीव आ जाएं। पर सबसे बड़ो सर्वोत्तम हितकारी जो कोई भंडारो हो तो ये श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा को। तो आप सब अधिक से अधिक या को लाभ लो, यही बात कहते भय मैं अपनी वाणी को श्री गोपाल प्रभु के चरणों में समर्पित करके विराम लूं। बोलो श्री वल्लभादीश की जय। बहुत ही सुंदर आपने अभी आप श्री के मुखारविंद से प्रवचनों का लाभ लिया। उसके पूर्व में आपने पूज्य आचार्य चरण के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथामृत रस का पान किया। आप दोनों के विषय में क्या निवेदन कर सकता हूँ कृपानाथ, बस इतना ही निवेदन है कि अंतपुर लीला करे सकी 7 स्वरूप सुहामना और एक एक ते अधिक शोभा ब्रज सखीले भामना। तो इन वैष्णवों के हृदय में आपका सदा निवास रहे। इसी के साथ वैष्णव अभी आरती के पश्चात ठाकुर जी के आज माखन चोरी लीला के आपको दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। इसी के साथ प्रतिदिन ठाकुर जी के विभिन्न मनोरथ होंगे। कल कुंज का मनोरथ है, मनोरथ की भेंट राशि 5100 रुपया है, लेकिन यदि कोई सहमनोरथी बनना चाहे तो 2100 रुपया देकर भी सहमनोरथी बन सकते हैं। इसी के साथ अन्नकूट महोत्सव होगा 25 तारीख को। इसके
भी आप जो है मनोरथी सह मनोरथी बन सकते हैं। एक डिब्बे के मनोरथ की सेवा 15,000 रुपया है, मनोरथी की सेवा 1,00,000 रुपया है, से मनोरथी 51,000 रुपया है और शुभेच्छु मनोरथी 21,000 रुपया सेवा है। फूल फाग का मनोरथ भी होगा आपको विभिन्न, जब जब भी मनोरथ होंगे यहाँ से सूचनाएं मिलती रहेंगी। प्रतिदिन आप श्री के सानिध्य में ब्रह्म संबंध भी प्रदान किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी सुंदर बात तो ये है कि श्रीमद् भागवत कथामृत रस का आप आनंद तो ले ही रहे हैं, उसके अलावा आपको प्रवचन का भी जो है सुख प्राप्त हो रहा है। आज रात्रि को परम श्रद्धेय करुणावरुणालय गोस्वामी श्री दामोदर लाल जी महाराज श्री का भी पदार्पण हो जाएगा और कल से आप श्री का भी सान्निध्य हमें प्राप्त होगा, ये भी मैं मंगल बधाई आप सभी को दे देता हूँ। और आप श्री के मंगल प्रवचन का भी हमें सुख प्राप्त होगा। इसी के साथ आरती के पश्चात हमारे जो कार्यकर्ता गण हैं उनसे निवेदन है कि कृपया मंदिर पर व्यवस्था में रहें, जब ऊपर से संकेत हो जाएं दर्शन खुलने के तभी दर्शनार्थियों को ऊपर प्रवेश करने दें। बाकी सब जो है दर्शनार्थियों से भी निवेदन है कि कृपया आप नीचे ही खड़े होकर दर्शनों का इंतजार करें। बहुत ही सुंदर माखन चोरी लीला है, ठाकुर जी जो है वैष्णवों के मन रूपी माखन की चोरी करते हैं और आप सभी इसका आनंद उठाएंगे। और आप तो बड़े सौभाग्यशाली वैष्णव हैं कि आपको जो है आज तुम जो मनावत वही दिन आयो, अपनो बोल करो किन जसमती, तो वो जो है आपको सुख मिल रहा है। वर्ष गांठ गिरधरन लाल की बोहरी कुशल से आई, तो जो है ये हमारे गोपाल प्रभु की वर्ष गांठ बहुत ही कुशलता से आई और इसको हम जो है इस उत्सव के रूप में मना रहे हैं और हमारे आचार्य परिवार का आपको सान्निध्य प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ अब आरती का कार्यक्रम होगा, पंडित जी आरती प्रज्वलित करें। और ब्रज यात्रा के विषय में भी आप तैयारी करें, ब्रज जो ठाकुर जी का घर है वहाँ पर अधिक मास में हमें जाने का सौभाग्य मिलेगा, तो उसको भी जो है आप इस सुअवसर को अपने हाथ से न जाने दें। सुंदर गाड़ियों के द्वारा व्यवस्था है, जिनसे चला नहीं जाता उनके लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है और जिनकी सरकारी नौकरियां उनके लिए भी सौभाग्य की बात है कि 9 दिवसीय यात्रा है, 9 दिन की छुट्टी लेके आप यात्रा में पधार सकते हैं। बोलो वल्लभाधीश की जय। आरती नीचे से करेंगे, मनोरथी परिवार मधु जी खेमरिया, संतोष जी, सत्येंद्र जी, योगेश प्राशु भैया, आगे आ जाइए जो भी मनोरथी परिवार है। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि गान यही वरदान यही, हरि गान यही वरदान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। भाग
भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श दिखाने वाला है। हरि दर्श दिखाने वाला है। हे सुख करनी हा हा, ये दुख हरनी हा हा, हे सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाती। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हसद माध। जय जन शरण आए अनुसरहि ग्रहि सोपत श्री गोवर्धन नाथ। परम उदार चतुर चिंतामणि राखत भवतारा वर जात। बजे कृष्ण दास काज सब सरहि जो जाने श्री नाथ। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज करत कृपा निज करत कृपा निज हसद माध। शिवल्लभाधीश की शिवल्लभाधीश की। दर्शनों के पश्चात आपको चरण स्पर्श का लाभ लेने का मौका मिलेगा। ऊपर ही आप श्री के चरण स्पर्श होंगे। दोनों हमारे आचार्य चरण वहां पर विराजेंगे। आप सभी चरण स्पर्श का लाभ लेंगे।